अस्सलाम वालेकुम ऑल इन वंस, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैन यू प्लीज कंफर्म, मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन सब सही नजर आ रही है आपको? हाँ वुड अप्रिशिएट योर एक्टिव रिस्पॉन्सेस प्लीज। ठीक है जी, गुड है। थैंक्स ऑल, थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग। ठीक है जी, ऑल राइट, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जिसको मोबाइल यूज करना है, व्हाट्सएप देखना है, किसी से कुछ पूछना बताना है, प्लीज कर लीजिएगा। और उसके बाद सेलफोन बैग्स में, पॉकेट्स में प्लीज। आप में से कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी सैटरडे की? प्लीज रेज योर हैंड्स। मेजोरिटी स्टूडेंट। और कौन से ऐसे लोग हैं जो आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं? 3, 4, 5 फ्यू स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अनदर थिंग, नोट सबके पास है? नहीं है तो एज डिस्कस्ड बाय सर कंबर, आप फोटो कॉपियर से ले लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपके पास होने चाहिए। अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। एक क्लास की प्रैक्टिस बनाते हैं हमेशा, हम जब भी क्लास लेने बैठेंगे तो हम कोई भी आयत, कोई सूरत पढ़ लेंगे, ताकि हम जो पढ़ें वो एटलीस्ट हमारे लिए फ्रूटफुल रहे। प्लीज जरा पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें। ऑल राइट, चले अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा, रिकॉल करूंगा लास्ट क्लास से, तो हम उसी की बेस पे आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे, राइट? एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा होगा वो आपके थोड़ा सा दिमाग में होगा। कुछ चीजें हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, मेरा साथ दीजिएगा। सबसे पहले कि हम टेक्स्ट का कौन सा वेरियंट पढ़ रहे हैं? यूके वेरियंट। रिसेंट पास्ट में एक नॉर्मली जो F9 तक बच्चे जाके इंटरव्यू देते हैं पास करने के बाद, उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपने ACCA में यूके टेक्स क्यों पढ़ा, पाकिस्तानी टेक्स क्यों नहीं पढ़ा। तो पहला सवाल तो बच्चा पूछता है, अच्छा पाकिस्तानी टेक्स भी होता है कुछ? तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि आपके ACCA के F6TX के पेपर में आप पाकिस्तानी वेरियंट भी दे सकते हो। टैक्स के पेपर के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल वी बींग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हम चाहें तो हम पाकिस्तानी टैक्स का पेपर भी दे सकते हैं। पहली बात ही हमें समझ में आ गई कि ACCA TX का पेपर सिर्फ यूके वेरिएंट नहीं है, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जिनमें पाकिस्तानी वेरिएंट भी है। अब अगला सवाल कि पाकिस्तानी वेरिएंट है, आपने तब भी यूके टैक्स क्यों दिया, क्यों पढ़ा, क्यों दिया? तो भाई पाकिस्तानी वेरिएंट ACCA पढ़ाने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई पढ़ने वाला है। पास्ट में कभी मैंने कोशिश की थी पाकिस्तानी वेरिएंट पढ़ाने की, लेकिन स्टूडेंट्स ही नहीं थे, इसीलिए मेजॉरिटी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमेशा यूके टैक्स पढ़ते हैं और देते हैं। और सेकेंड रीजन ये है कि एज कंपेयर टू पाकिस्तानी टैक्सेस, यूके टैक्सेस आर इजी टू लर्न, इजी टू पास। अगर आप कोई आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करे कि क्या ACCA के टैक्स के पेपर में पाकिस्तानी वेरियंट है, तो आपको पता होना चाहिए जी बिल्कुल है,
अब अगला सवाल कि आपने क्यों नहीं दिया, आपने यूके वेरिएंट क्यों दिया, यूके टैक्स क्यों बढ़ा, तो उसका भी जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तानी वेरिएंट पढ़ाने के लिए कोई ट्यूटर्स ही नहीं है, ना ही पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। और दूसरी बात यह कि एज कंपेयर टू यूके टैक्सेस, पाकिस्तानी टैक्स वेरियंट मुश्किल है और यूके टैक्स आसान है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली पाकिस्तानी टैक्सेस में अराउंड 5 ईयर्स काम किया केपीएमजी में, मेरा टैक्स का एक्सपीरियंस है। अब अगली चीज ये, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार आप पढ़ाते पाकिस्तानी यूके टैक्स हैं, आपने काम पाकिस्तानी टैक्सेस में कैसे किया, तो ये भी जवाब सुन लीजिएगा। ये इन फ्यूचर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तब भी आपके आपके लिए भी ये एक काम की चीज होगी। आप कोई भी टैक्स पढ़ लें, काम आप दुनिया जान के टैक्सेस में कर सकते हैं, बिकॉज ये जो क्लास लर्निंग होती है ये हमें हमारी बेस बना देती है कि हम कोई भी लॉस पढ़ के उनको अप्लाई करना सीख जाएं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो क्लास इन्वायरमेंट में सीखना होता है उसको फिर हम किसी भी कंट्री के टैक्सेस उठा के उसके लॉस पढ़ के हम वहां पे उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये बात क्लियर है भाई सबको? अब अगला सवाल आपसे कि आपने ये तो बता दिया कि हम यूके वेरिएंट पढ़ रहे हैं, और ये चीज आपके लिए बच्चे अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे जब पेपर बुक करने का टाइम आएगा कि कौन सा वेरियंट सेलेक्ट करना है। तो भाई अभी से दिल दिमाग में बिठा लो, आपने यूके वेरियंट सेलेक्ट करना है। गलती से चाइनीज वेरियंट, पाकिस्तानी वेरियंट, मलेशियन वेरियंट नहीं सेलेक्ट करना, आपने पेपर बुकिंग के वक्त यूके वेरियंट सेलेक्ट करना। अब अगली चीज जो मैं मूव ऑन कर रहा हूं, दैट इज आपने कोई फाइनेंस एक्ट का नाम सुना है लास्ट क्लास में? फाइनेंस एक्ट नाम की कुछ चीज सीखी है? ये फाइनेंस एक्ट या फिस्कल ईयर के बारे में आपने कुछ सीखा होगा? जरा बावाज बुलंद जवाब दीजिएगा, हमारा रेलिवेंट फिस्कल ईयर कौन सा है? 23-24। हम किस फिस्कल ईयर के लिए पूरा टैक्स का पेपर पढ़ रहे हैं? फिस्कल ईयर 23-24 के लिए पढ़ रहे हैं। ये फिस्कल ईयर के मुताबिक आपका टैक्स का पेपर एक साल में 4 मरतबा होता है। हमारा फिस्कल ईयर 23-24 एप्लीकेबल है, जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए जून 24, हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं सितंबर 24, दिसंबर 24 और मार्च 25 तक आपका फिस्कल ईयर 23-24 ही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जाके जब नेक्स्ट जून से आएगा तो वो स्टूडेंट नेक्स्ट फिस्कल ईयर के मुताबिक अपना टैक्स का पेपर पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग इज फिस्कल ईयर, देखो हर कंट्री का अपना एक टैक्स सिस्टम है। आजकल अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो या चैनल चेंज करते हुए अगर अचानक कोई न्यूज चैनल चल जाए तो वहां पे बजट की बातें हो रही होती है। तो पाकिस्तान का एक बजट ईयर एक टैक्स ईयर है। पाकिस्तान का बजट ईयर या टैक्स ईयर मालूम है आपको किन डेट्स के मुताबिक होता है? जो 1 जुलाई से लेकर नेक्स्ट ईयर 30 जून तक। जिस तरह पाकिस्तान का टैक्स ईयर जुलाई से जून है, इसी तरीके से यूके का भी टैक्स ईयर या जिसको हमने फिस्कल ईयर का नाम दिया, फिस्कल ईयर, वेरी राइट, फिस्कल ईयर 23-24 स्टार्ट फ्रॉम 23 एंड एंड्स ऑन 5 अप्रैल 24। दोबारा से रिपीट करता हूं, हमारा जो यूके का टैक्स ईयर 23-24 है ये स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 23 से और ये एंड होता है 5 अप्रैल 24। इस डेट के मुताबिक हम अपनी तमाम कैलकुलेशन सीखेंगे, तमाम क्वेश्चंस इसी डेट के मुताबिक हमारे पास आ रहे होंगे। टैक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका हमारे किसी प्रीवियस पास्ट पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बच्चे एफडी से हैं, FA1, FA2, F3, F7 ये लिंक्ड है। जो बच्चे MA1, MA2, F2, फिर उसके बाद कौन सा पेपर आता है? PM आता है, F5 आता है, राइट? तो ये लिंक्ड पेपर है। वहां पे हम ये डर रहे होते हैं, ये डिस्कस कर रहे होते हैं फ्रेंड सर्किल में, यार मेरी कॉस्टिंग अच्छी नहीं है, मुझे मुश्किल लगेगा, F5 मुश्किल लगेगा, मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छी नहीं है, शायद मुझे FR मुश्किल लगे। लेकिन टैक्स में आपका ऐसा कोई ड्रामा नहीं चलने वाला, क्योंकि टैक्स का आपके प्रीवियसली किसी भी पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका सिर्फ एक, शायद आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक टॉपिक पढ़ा जिसे वैल्यू एडिड टैक्स नाम दिया जाता है, वैट नाम दिया जाता है, वो भी सिर्फ आपने अकाउंटिंग की कैलकुलेशन की हद तक उस टॉपिक को पढ़ा होता है, वो टैक्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो एक बात आप दिमाग में बिठा लें कि प्रीवियसली आपका कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बिल्कुल जीरो मीटर पेपर है जिसको हम इनिशियली स्क्रैच से एंड तक बिल्कुल एक एक बिल्कुल नए तरीके से सीखेंगे, और हम इस चीज को माइंड में रख के सीखेंगे कि यार हमें टैक्स का पेपर अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पास भी करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जनरली मैं हर सेशन में स्टूडेंट से एक क्वेश्चन करता हूँ, आपसे भी करता हूँ, कि टैक्स का पेपर आप एज अ प्रोजेक्ट लेकर चलना चाहोगे या एज एन ऑपरेशन लेकर चलना चाहोगे? सवाल गौर से सुनिएगा, जवाब सुकून से दीजिएगा। सवाल यह है कि आप टैक्स के पेपर को एज अ प्रोजेक्ट लेकर चलना चाहोगे या एज एन ऑपरेशन लेकर चलना चाहोगे?
प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में फर्क समझ लो फिर आंसर देना। प्रोजेक्ट होता है कि किसी काम का स्टार्ट, उसका एक एजेंडा ऑब्जेक्टिव और उसकी एक एंड डेट और उसका एंड होना, ये हो गया प्रोजेक्ट। ऑपरेशंस क्या है, किसी भी चीज का चलते रहना, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन, राइट, ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो क्या आप टैक्स के पेपर को एज एन ऑपरेशन लेकर चलना चाहोगे या एज अ प्रोजेक्ट लेकर चलना चाहोगे? हाँ जी, क्या लेकर चलना चाहोगे? यू क्लासेस वन जी, एज एन ऑपरेशन जी, लास्ट वन आपसे पूछ रहा हूं। यस ब्लू स्कार्फ जी, आपसे प्रोजेक्ट, लास्ट वन प्रोजेक्ट, बिल्कुल लास्ट प्रोजेक्ट। आप क्या कह रहे हैं? ऑपरेशंस, ऑपरेशन। अरे भाई 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 लोग, ये आपके लिए प्रोजेक्ट है, आपने इसको शुरू किया है, इसका पेपर देना है, इसको पास करके आगे बढ़ना है। जो बच्चे बोले ना इसको एज एन ऑपरेशन लेकर चलना है, उनका बताओ क्या होगा? अल्लाह ना करे वो इसको पढ़ेंगे, पेपर देंगे, फेल होंगे, दोबारा पढ़ेंगे, पेपर देंगे, फेल होंगे, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हमने इसको ऑपरेशन के तौर पे, आपके लिए ये ऑपरेशन नहीं, आपके लिए प्रोजेक्ट है। मैं टीएक्स पढ़ाता हूं, मैं हमेशा से पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए क्या है ये? ऑपरेशन है। ये आपके लिए क्या है? प्रोजेक्ट। और मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि जो बच्चा आज बैठा है क्लास में, वो अपने जो एग्जाम सेशन में पेपर दे रहा है, वो पास करके आगे बढ़ जाए, हमें इससे ज्यादा खुशी कोई नहीं होती। तो आपके लिए क्या है ये? एज अ प्रोजेक्ट। अब देखो, जो प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसकी कुछ बातें हमें पता होती हैं, उसका एजेंडा पता होता है, उसका ऑब्जेक्टिव पता होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का? कि इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से पास करना है। कुछ बच्चे अधूरा प्रोजेक्ट का एजेंडा सोचते हैं, वो बोलते हैं हमने अच्छे से पास करना है। भाई पास बाद में होगा, पहले अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर पास होगा। तो दोनों चीजें आपने साथ में लेकर चलनी। हम बात कर रहे थे अपने टैक्स के यूके वेरिएंट की, बात कर ली हमने, फिस्कल ईयर 23-24 की बात कर ली, जो कि 6 अप्रैल 23 से स्टार्ट होता है। हाँ और 5 अप्रैल 24 पे एंड होता है। यहां तक सब ओके है जी? सब ओके है यहाँ पे। अब अगली चीज, आपने तीन तरह के टैक्स पेयर्स सीखे हैं। आपको मालूम है कि यूके में जो टैक्स देते हैं वो तीन तरह के लोग होते हैं, उनके स्टेटस बेसिकली तीन तरह के होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 20% टैक्स दे रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 40% टैक्स दे रहे होते हैं, और कुछ ऐसे खुश नसीब होते हैं जो 45% टैक्स दे रहे होते हैं। ज्यादा इनकम कमा रहे ना, इस हिसाब से सोचो, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। दोबारा से गौर से सुनिएगा, तीन तरह के टैक्स पेयर्स हमने सीखे हैं। कुछ ऐसे लोग जो यूके में 20% टैक्स देते हैं, कुछ ऐसे जो 40%, कुछ ऐसे जो 45% टैक्स देते हैं। इस रेट की बेस पे उनका एक नाम है, उनका एक स्टेटस है। जो लोग 20% के टैक्स पेयर्स होते हैं, उसको हम नाम देते हैं बेसिक रेट टैक्स पेयर्स, BRTP, बेसिक रेट टैक्स पेयर्स, याद रहेगा सबको। जो 40% वाले होते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है? हायर रेट टैक्स पेयर, HRTP। और जो खुश नसीब लोग हैं 45% वाले, उसको क्या नाम दिया जाता है? एडिशनल रेट टैक्स पेयर। लास्ट टाइम मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, 20% वाले हैं बेसिक रेट टैक्स पेयर, 40% वाले हाई रेट टैक्स पेयर, और 45% वाले एडिशनल रेट टैक्स पेयर, याद रहेगा सब। तीन बातें अभी तक हमने इंपोर्टेंटली डिस्कस की। हम यूके वेरिएंट पढ़ रहे हैं, फिस्कल ईयर 23-24 के लिए पढ़ रहे हैं। 5-6 अप्रैल 23 को स्टार्ट होता है, 5 अप्रैल 24 पे एंड होता है। इन डेट्स के मुताबिक तमाम कैलकुलेशन सीखेंगे। थर्ड चीज हमने डिस्कस की कि तीन तरह के टैक्स पेयर्स हैं, 20% वाले बेसिक रेट टैक्स पेयर, 40% वाले हाई रेट, और 45% वाले एडिशनल रेट टैक्स पेयर्स। हो गया, चले अब अगली चीज। ये मैं तमाम वो बातें कर रहा हूं जो आप सीख चुके हैं, राइट, जो आपकी लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुकी है, मैं उसी को रेफरेंस बना के आगे बढ़ूंगा। यूके में जो टैक्सेस हैं वो कितनी तरह के टैक्सेस हैं? चलो मैं इस तरह बात करता हूं, हम बीइंग इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेस देते हैं, पर्सनल टैक्सेस, एक पर्सन के टैक्सेस, उसको क्या नाम दिया जाता है? इनकम टैक्स। क्या नाम दिया जाता है?
मैं अगर उसकी टाइप पूछूं तो फिर आप बोलेंगे कि इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट। पहले मैं सिर्फ टैक्सेस की टाइप्स की बात कर रहा हूं। आप और मैं अगर यूके में रहते हुए टैक्स देंगे तो वो होगा इनकम टैक्स। अगर हम अपनी कंपनी बना लें और हमारी कंपनी जब टैक्स पे करेगी कॉरपोरेशन, बिल्कुल सही है जी। जब अकाउंटिंग में नॉन करंट एसेट बेचे जाते हैं गेन होता है तो हम क्या नाम देते हैं? अकाउंटिंग में एसिड के बिकने पे गेन को क्या नाम दिया जाता है? गेन ऑन डिस्पोजल। लेकिन टैक्स में इसी गेन ऑन डिस्पोजल को क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स पे भी टैक्स है। तो थर्ड काइंड हमें मिली, नंबर वन क्या थी? इनकम टैक्स, नंबर टू कॉर्पोरेशन, नंबर थर्ड कैपिटल गेन टैक्स। तीन टाइप्स हो गए। नंबर फोर, एक पर्सन की डेथ हो गई, उस मरे हुए इंसान के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं, वो कौन सा टैक्स है? इनहेरिटेंस। चार टाइप्स होगी, नंबर वन इनकम टैक्स, नंबर टू कॉर्पोरेशन, नंबर थर्ड कैपिटल गेन, नंबर फोर इनहेरिट। वेरी राइट, वेरी गुड। और आखिरी, जो हम गरीबों के लिए, ऐसा ही है ना, जिसे जीएसटी भी बोला जाता है, पाकिस्तान में जीएसटी कहा जाता है, और इंटरनेशनली इसे क्या कहा जाता है? वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। तो ये पांच तरह के मेन टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन, इनहेरिटेंस, कैपिटल गेन्स, वैल्यू एडेड टैक्स। अब फर्दर इसकी कैटेगरीज में उसमें नहीं जाऊंगा कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। याद रखना बाकी सारे डायरेक्ट हैं, सिर्फ एक इनडायरेक्ट है, वो कौन सा है? वैल्यू एडेड टैक्स। याद रख सही। फिर हमने आगे बात की थी इसके बाद हमने डिस्कस किया था इनकम टैक्सेस के बारे में, आपने फिर मजीद डिस्कस करना स्टार्ट किया। अब हम इस पांच में से फर्स्ट कैटेगरी को उठा रहे हैं, पांच तरह की टैक्स टाइप्स में से हम फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसी से हमारा सिलसिला कंटिन्यू हो जाए। फर्स्ट कैटेगरी थी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मींस जब एक जिंदा इंसान टैक्स देता है, जब एक पर्सन टैक्स देता है, कंपनी भी पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन इनकम टैक्सेस कौन पे करते हैं? ह्यूमंस पे करते हैं, इंसान पे करते हैं। जब यूके में रहते हुए आप, मैं, कोई भी दूसरा शख्स टैक्स पे करेगा उसको नाम दिया जाएगा इनकम टैक्स। एट टाइम्स इसको पर्सनल टैक्स भी कहा जाता है। इनकम टैक्स ऑल्सो टर्म दैस पर्सनल टैक्स। इनकम टैक्स जो कि पर्सनल टैक्स है, इंसानों ने पे करना होता है, ये अपने सोर्सेस ऑफ इनकम पे करते हैं। एग्रीड? नहीं, आवाज नहीं। हमने जो इनकम टैक्स पे करना है वो अपने सोर्सेस ऑफ इनकम पे करना है। अब जरा सोचो, जिससे जवाब पूछूंगा प्लीज वो जवाब दे। थोड़ा सा अगर नोट्स घुमाने, नोट्स घुमा लो, कहीं लिखा हुआ है तो खोल लो, क्योंकि अब आपके जवाबात की बारी आ गई। किसी भी पर्सन के सोर्सेस ऑफ इनकम कितने तरह के हैं? सोचे, सिर्फ छह तो हैं, लेकिन हैं कौन कौन से वो भी सोचो। अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो, अपनी जात के ऊपर रख लो, बात याद रहेगी। सही है रवा, बिल्कुल सही है। सोचे सोचे भाई, जल्दी से। भाईजान, किसी भी इंसान के मैक्सिमम सोर्सेस ऑफ इनकम छह तरह के हो सकते हैं। नंबर वन, पिंक शर्ट, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेस ऑफ इनकम। नंबर वन प्रॉपर्टी इनकम, राइट। नंबर टू एम्प्लॉयमेंट इनकम, नंबर थर्ड डिविडेंड इनकम, नंबर फोर्थ ट्रेडिंग हो गया, फिर इंटरेस्ट हो गया, फिर पेंशन हो गया। दोबारा मेरे साथ सुनिएगा, नंबर वन प्रॉपर्टी इनकम, नंबर टू एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड और पेंशन। छह तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम है। दोबारा से याद रखें कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के छह तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम है। आप इनको छह डिफरेंट टॉपिक समझ लो। ये जो छह सोर्सेस हैं, इनको हम छह डिफरेंट टॉपिक्स में ब्रेक करके पढ़ रहे हूं, राइट। प्रॉपर्टी इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम, इंटरेस्ट इनकम, पेंशन इनकम और
डिविडेंड इनकम, 6 तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम। क्या हर सोर्स ऑफ इनकम पे अलग 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 टैक्स दिया जाता है? दोबारा से सुनिए, 6 तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम है, क्या सब पे अलग अलग टैक्स होगा? नो एक पर्सन के जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम है उन सबको एडअप किया जाएगा, टोटल इनकम फाइंड की जाएगी, टोटल में से फिर कुछ अमाउंट आपको छोड़ दी जाती है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, इतनी अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं है, उसको नाम दिया जाता है पर्सनल अलाउंस। दोबारा से याद, मैं देखो मैं इतनी डिटेल में क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट क्लास की चीजें एट टाइम्स हम भूल चुके होते हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा रिकैप करके आगे बढ़ूंगा। इनकम टैक्सेस में पर्सन की टैक्सेशन होनी है, 6 तरह के सोर्सेस है। अब क्या ये कोई जरूरी है कि हमारे क्वेश्चन में हर बंदे के 6 ही सोर्सेस ऑफ इनकम हो? किसी का एक भी हो सकता है, किसी के दो भी हो सकते हैं, किसी के पूरे 6 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 है। अब 6 में से मे बी क्वेश्चन में 2 सोर्सेस ऑफ इनकम दिए उसकी बेस पे काम कर लो, अगर 4 दिए उसकी बेस पे काम कर लो, सिंगल दिया उसकी बेस पे काम कर लो, तो मैक्सिमम 6 सोर्सेस ऑफ इनकम कैन बी देयर। इन सबको एडअप करने के बाद टोटल इनकम आती है, टोटल में से कुछ अमाउंट छोड़ दी जाती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस, पर्सनल अलाउंस को आसान अल्फाज में आप समझ लो टैक्स फ्री इनकम। क्या नाम है? टैक्स फ्री इनकम का एक्चुअल नाम है पर्सनल अलाउंस। टैक्स फ्री इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है? जो यूके टैक्स अथॉरिटी है, पाकिस्तानी टैक्स अथॉरिटी कौन सी है? एफबीआई। यूके टैक्स अथॉरिटी कौन सी है? एचएमआरसी बोले तो हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। ये क्वीन की डेथ से पहले हर मैजेस्टी था, अब क्वीन निपट चुकी, अब उसके बाद क्या हो चुका है? ये हिज मैजेस्टी हो चुका। तो जो यूके टैक्स अथॉरिटी है, इसका कहना ये है कि एक पर्सन ने जितने भी टोटल इनकम कमाई है, 6 तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम है, जितना भी उसने कमाया, हम फिर भी इसको कुछ अमाउंट छोड़ देते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लेते, टैक्स फ्री इनकम, यानी कि पर्सनल अलाउंस दिया गया। और पर्सनल अलाउंस फिस्कल ईयर 23-24 के लिए एक फिक्स अमाउंट है। कितनी अमाउंट है जी? 12570, ये पर्सनल अलाउंस की अमाउंट। ये मैंने नहीं बताई, ये हमें एचएमआरसी वालों ने खुद बताई कि भाई एक पर्सन के तमाम सोर्सेस को एडअप कर लो, जो भी टोटल बने उसमें से ये अमाउंट माइनस कर दो, ये टैक्स फ्री इनकम है, ये पर्सनल अलाउंस। टोटल में से पर्सनल अलाउंस माइनस किया तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आई। वर्ड टैक्सेबल हमें इंडिकेट कर रहा है कि नाउ दिस इज द इनकम ऑन विच द टैक्स रेट्स विल बी मल्टीप्लाइड। आई रिपीट, टैक्सेबल इनकम क्या चीज होती है? वो इनकम जिस पे टैक्स रेट लगने हैं और टैक्स लायबिलिटीज फाइंड की जानी है। एक स्टूडेंट का सवाल है कि सर इलीगल इनकम किस कैटेगरी में आएगी? एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि इलीगल इनकम कौन सी कैटेगरी में आएगी? तो भाई भाईजान, ये सारा काम आप किसके लिए करें? गवर्नमेंट को दिखाने के लिए ना। तो अगर आप भले सट्टे में पैसे जीत भी गए तो वो यहाँ पे दिखाओगे कि इनकम फ्रॉम सट्टा? तो भाई जो इलीगल इनकम अगर किसी की है भी तो वो यहाँ पे शो नहीं की जाती, उसका कोई हेड नहीं है, राइट? ऑल राइट, तो हमने बात की कि टोटल में से पर्सनल अलाउंस माइनस किया, टैक्सेबल इनकम पे पहुंच गया। टैक्सेबल इनकम पे 3 तरह के रेट अप्लाई हो सकते हैं, कौन कौन से? 20, 40, 45%। टैक्सेबल इनकम पे जब 3 तरह के रेट अप्लाई होते हैं तो आपके पास फाइनली 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 इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है। तो सिस्टमेटिकली तरीके से आपने माइंड में बिठानी है चीजें। सिस्टमेटिक में हमें क्या सिखाता है कि एक पर्सन के सबसे पहले तमाम सोर्सेस ऑफ इनकम का एडअप कर लो, टोटल तक जाओ, टोटल में से पर्सनल अलाउंस माइनस करो, टैक्सेबल तक आओ, टैक्स रेट मल्टीप्लाई करो, इनकम टैक्स लाइबिलिटी तक। ये जो इनकम टैक्स का हमने बात स्टार्ट की ना, ये इनकम टैक्स का आपके सेक्शन सी में एक पूरा सवाल आता है 15 नंबर। मुझे बाकी पेपर्स का फॉर्मेट तो नहीं पता, F7 का मैं बता सकता हूँ कि F7 के जो सेक्शन सी के क्वेश्चन थे वो डिफाइंड नहीं है किस एरिया से आए, लेकिन टैक्स के पेपर के जो सेक्शन सी के क्वेश्चन है ये डिफाइंड है। इनफैक्ट सेक्शन बी के क्वेश्चन भी डिफाइंड एरिया से आते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठ के किसी भी एरिया का क्वेश्चन आएगा। नो, इट इज डिफाइंड कि सेक्शन सी के 3 सवालों में से एक क्वेश्चन आपके इनकम टैक्सेस पे आएगा, और इनकम टैक्सेस पे टैक्सेशन ऑफ पर्सन के लिए ये पूरा सिस्टमेटिक वे फॉलो करना पड़ता है। अब अगली बात सुने, ये जो 20%, 40% या 45% है, ये ऐसी अपनी मर्जी से अप्लाई कर लेने हैं या इसका कोई तरीका है, कोई बैंड्स है? इसके बैंड्स है,
आपने मेरे ख्याल को 5 6 7 एग्जाम्पल्स भी की होंगी लास्ट क्लास, राइट। अगर फर्स्ट बैंड लिमिट की बात करूं, अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 1 पाउंड से लेकर 37,700 पाउंड तक है तो उस पे कितना परसेंट लगेगा? 20%। सेकेंड बैंड लिमिट स्टार्ट होती है 37701 से, कहां तक जाती है? 125,140। तो इस पे लगता है 40%। अगर इससे भी ज्यादा ऊपर इनकम चली गई तो फिर 45। ये जितनी भी चीजें माशाल्लाह आपको याद हो रही है, ये अगर खुदा ना खासा पेपर में भूल भी जाओ तो भाई ये जो आपको पूरी मैं 3 4 पेज स्लाइड्स को मूव करूंगा, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में गिवन होती है। ये बहुत सारी चीजें टैक्स के पेपर में आपको दी गई होती हैं, आप ड्यूरिंग एग्जाम इसको खोल के देख सकते हो। ये एक पेज की इंफॉर्मेशन, ये सेकेंड पेज की इंफॉर्मेशन, थर्ड पेज की इंफॉर्मेशन, और ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके सामने दी गई होती है। इसमें इस तरह की बातें लिखी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके टैक्स रेट्स हैं, ये लिमिट्स वगैरह जो आपको दी हुई है, कितना परसेंट टैक्स है, ये तमाम बातें आपके एग्जाम में भी आपको दी गई होंगी, राइट। तो ये हम सीखेंगे कि कौन सी चीज कहां पे यूज होगी, किसका यूज कैसे है, तो हम ये तमाम बातें सीख लेंगे। तो जितनी भी हमने बात की कि बेसिक रेट बैंड लिमिट है 1 to 37,700, इस पे 20% टैक्स, सेकंड बैंड लिमिट है 37701 से 125,140 तक, इस पे 40% टैक्स, और इससे ज्यादा अगर इनकम होगी तो उस पे 45% टैक्स लगेगा। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में भी गिवन होती है। एक बात बताए, ये भले इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी भी हुई है तो क्या हम इसी पे रिलाय करके बैठे या इसको मेमोराइज करते रहे? ऑल्दो ये एग्जाम में दी गई होगी लेकिन एग्जाम में सेकेंड्स भी मैटर कर रहे होते हैं। इसको खोलना, रेलिवेंट जगह पे जाना, सर्च करना आपको क्या चाहिए, तो उसमें भी टाइम लगता है आपको, कुछ सेकंड्स ही लगे, लेकिन वो बार बार खोलने से वो सेकंड्स भी काउंट हो। तो बेहतर ये होता है कि आप जो भी चीजें ना, वो बल्कि हम इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ये चीजें वैसे दिमाग में फिक्स हो जाएंगी, फाइल खोलने की भी जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। और ज्यादा बेहतर ये होता है कि हर चीज को यहाँ फिक्स करने की कोशिश करो। गाना सुनते हैं एक दफा, अगली दफा साथ में गुनगुना रहे होते हैं, क्या कभी याद करने की कोशिश की उसको? हैं, गाना याद करने की कोशिश करते हैं? एक दफा सुन लो, अगली दफा प्ले करोगे, साथ में बोल लोगे, दो चार दफा गलती करोगे, फिर प्ले करोगे, फिर बिल्कुल सही जाओ। पढ़ाई में ऐसा नहीं होता, क्यों? हाँ, ये इंटरेस्ट का मसला है ना। मूवी का एक दफा देख लो, पूरा सीन क्रिएट कर दोगे दूसरे के सामने, क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट होता है ना उसमें। मिर्जापुर हाथों पे याद होगा सब, फिंगर टिप्स। कभी याद नहीं होता, मेजॉरिटी में जनरली बात कर रहा हूं, यही होता है हमारे साथ। बहरहाल, तो भाई हम चीजों को थोड़ा सा पढ़ाई, देखो बात सुनो, यहां पे आके बैठे हो ना किस ऑब्जेक्टिव से बैठे हो? टैक्स पढ़ना है, पास करना है, कोई भी पेपर हो, सिर्फ टैक्स ही नहीं, कोई भी पेपर हो, आप जहां बैठते हो जाके, तो कितने 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 रुपीस की गेम है ये पूरी टैक्स की? भाई लाख रुपए की गेम है, 20-25 हजार ट्यूशन फीस, कुछ 70 हजार पेपर की फीस, चलो 50 हजार लगा, 50 हजार लगा, और बाकी कैंपस आने जाने के खर्चे, सही है, कैंटीन के खर्चे, बाहर वो ग्रीन ग्रास पे बैठने के खर्चे, तो बहुत सारे खर्चे, तो यानी कि लाख रुपए की गेम है। बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। तो भाई आप का 1 लाख और आपका 3 मंथ्स का ये स्टेक लगा हुआ है, चिल तो पूरी जिंदगी करते रहोगे, चिल करना मना नहीं है, लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव से आके बैठे हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव मीट होना चाहिए, राइट। हम पढ़ेंगे भी, हम तफरी भी करेंगे, हम खाने भी खाएंगे, हम ट्रीट भी पे भी जाएंगे, हम सब करेंगे, लेकिन उस सब में मेन ऑब्जेक्टिव हमने भूलना नहीं है, सही। अगर मैं कभी भूलने लगूं तो मुझे भी याद करवा देना, मैं तो आपको हर रोज याद करूंगा, राइट। तो हम बात करें अपने पास के भाईजान, इनकम टैक्सेस में ये जो मैंने 6 तरह के सोर्सेज बताए, ये 6 तरह के सोर्सेज बेसिकली 6 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप अपने नोट्स का, किसी के पास नोट्स है? तो मैंने एक पेज फोल्ड किया था, 80, पेज नंबर 84 प्लीज ओपन कर लीजिए, जिनके पास नोट्स है पेज नंबर 84 ओपन कीजिए।
आप में से अक्सर बच्चे, आज क्या डेट है, 25th, 25th, आपको कोर्स एंड होने की डेट पता है, 15 या 16 अगस्त इंशाल्लाह। इससे देखो कुछ चीजें ना बहुत क्लियरली हमें मालूम होनी चाहिए भाई, दो चार बातें बांध देना पल्लू से। आप टेक्स की क्लासेस में छुट्टी नहीं करना, सही ऑप्शन पे नहीं रहना कि यार आज फिजिकल नहीं जाता ऑनलाइन ले लेता हूँ, क्योंकि जब तक हम ऑप्शंस में पड़े रहते हैं हम कुछ अचीव नहीं कर पाते, राइट। आपने पढ़ना है ना तो भाई कुछ चीजें बेसिकली अपने पास फॉलो कर लेना, आप बेसिक चीजें फॉलो कर लेना, आप इंशाल्लाह कभी रुकोगे नहीं कहीं भी। एक तो आपने छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि टेक्स का पेपर बहुत लिंक्ड चीजें हैं इसमें, तो ये आज की जो क्लास है अगली शायद अगली 5 क्लासेस में आपके पास आज की डिस्कशन काम आएगी, राइट। दूसरा ये कि कुछ बच्चे पूछेंगे पूरे एग्जाम से 15 दिन पहले कि सर बुक कौन सी पढ़नी है, तो भाई तब कोई बुक नहीं पढ़नी है। अगर किसी को बुक पढ़ने का शौक है आज आंसर ले लो, अगर स्टडी टेक्स रीड करनी ही है तो कैपलान फॉलो कर लो। सर किट कौन सी करनी है, किट्स भाई दोनों कर लो, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे टेक्स पास करने का एक ही फॉर्मूला है, और वो है कि मैक्सिमाइज योर प्रैक्टिस। आप जितने भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे, कैप्लान प्लस बीपीपी प्लस स्टडी अप, आपको चीजें हैंड्स ऑन हो जाएंगी, आप टेक्स्ट का पेपर पास करोगे। सर बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो बचपन से मतलब जब से एसएससी स्टार्ट किया जब से कर रहे हैं बुक रीडिंग, तो भाई टेक्स्ट के पेपर में आप अगर आप रिलीजियसली हमारी डिस्कशन को फॉलो कर लो, हमारे जो नोट्स आपको मिले हुए हैं इसको फॉलो कर लो, आप अच्छे मार्क्स से अच्छे तरीके से टेक्स्ट का पेपर पास कर सकते। मैं किसी को बुक पढ़ने से मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप, क्योंकि अगर आपने किसी के पास फिजिकल बुक हो तो मेरे ख्याल 1100 पेजेस की है, राइट, माशाल्लाह खूब हैवी ड्यूटी बुक है। तो अगर आपको शौक है तो आज से फॉलो कर लो, फॉलो करना भी किस तरीके से है वो भी फिर पूछ लेना, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि यार अगर आप हमारे नोट्स को रिलीजियसली फॉलो करोगे, लेक्चर्स को साथ साथ लेकर चलोगे, साथ साथ रिवाइज करते रहोगे, तो किसी भी चीज की नीड नहीं होगी, सिर्फ किट्स आपको चाहिए होंगे प्रैक्टिस के लिए। पेज नंबर 84 पे हम आ गए, और पेज नंबर 84 पे आके हमें कुछ इस तरह की हेडिंग एक नजर आ रही है। आ रही है सबको भाई जिनके पास नोट्स है? बेसिकली हम 6 तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम में से, जिनके पास नहीं है मैं उनको बता रहा हूँ, वो अपने पॉइंट्स एटलीस्ट लिखते जाएं अपने फ्लो को मैनेज करने के लिए। हम बेसिकली 6 तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम में से ट्रेडिंग इनकम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई रिपीट, हम अपने 6 तरह के सोर्सेस प्रॉपर्टी एम्प्लॉयमेंट ट्रेडिंग इंटरेस्ट डिविडेंड पेंशन में से हम ट्रेडिंग इनकम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रेडिंग इनकम को अदर वर्ड्स में बिजनेस इनकम भी कहा जाता है। आई रिपीट, फ्रॉम 6 सोर्सेस ऑफ इनकम वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम इज ऑल्सो टर्म्ड एज बिजनेस इनकम। ट्रेडिंग इनकम इज ऑल्सो टर्म्ड एज बिजनेस इनकम। हमारे पास एक हेडिंग है और ये हेडिंग है फैक्टर्स या बैजेस ऑफ ट्रेड, फैक्टर्स ऑफ ट्रेड या बैजेस ऑफ ट्रेड। इस स्लाइड जो हमारे सामने नजर आ रही है इसमें से ही एग्जामिनर सेक्शन ए में 2 मार्क्स एमसीक्यू पूछता है। एग्जामिनर इस स्लाइड से ही आपके सेक्शन ए में 2 मार्क्स एमसीक्यू इस स्लाइड से पूछता है। भाई हम टॉपिक तो पढ़ने जा रहे हैं ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम का, लेकिन जो फिलहाल हमारे सामने स्लाइड खुली हुई है सेक्शन ए में 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है आपसे। ये है क्या चीज, ये आप लोगों के ऊपर अप्लाई करवाता हूं, आप खुद समझ जाओगे ये सारा मामला क्या है। आप कोई भी काम कर रहे हो, वो काम आप अपने लिए भी कर सकते हो, वो काम आप किसी और के लिए भी कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हिसाब से एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीएसए के लिए पढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो इनकम अर्न हो रही है उसकी हेडिंग चेंज हो जाएगी। और अगर यही मैं अपना इंस्टीट्यूशन बना के पढ़ाऊंगा तो वहां पे जो इनकम होगी वो मेरे लिए डिफरेंट हेड में फॉल कर जाएगी। तो बेसिकली
ये कुछ फैक्टर्स या बेजिस ऑफ ट्रेड हैं जिससे हमें पता चलता है कि बंदा एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड। इन दोनों में क्या फर्क होता है भाई? एम्प्लॉयड किसे कहा जाता है? काम जो एम्प्लॉय पर्सन होता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयड होंगे, और अगर आप अपना काम धंधा कर रहे हो तो आप क्या होगे? सेल्फ एम्प्लॉयड हो। क्लियर है भाई सबको ये दोनों बात? एम्प्लॉय क्या चीज होती है, एम्प्लॉयड क्या होता है? कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी इनकम है, तो आप एम्प्लॉयड पर्सन हो गए, और अगर आप अपना काम कारोबार, इवन कोई छोटी शॉप ही रन क्यों ना कर रहे हो, तो आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, आप क्या हो गए? सेल्फ एम्प्लॉयड। अब अगली बात समझो कि अगर एक पर्सन एम्प्लॉयड होगा तो फर्क क्या पड़ेगा? जैसे इस एम्प्लॉयमेंट से मिलने वाले पैसे को इस एम्प्लॉयड पर्सन वो इस इनकम को किस हेड में लेकर जाएगा? एम्प्लॉयमेंट इनकम में। और अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड इस इनकम को किस हेडिंग में लेकर जाएगा? ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम। तो फर्क समझे हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो हमने कहा ये फैक्टर्स या बैजेस ऑफ ट्रेड हम किसके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं? एम्प्लॉयड के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से मिलने वाली इनकम हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट इनकम है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मिलने वाली इनकम हमारे लिए ट्रेडिंग इनकम है या बिजनेस इनकम। अगर आप जॉब करोगे कहीं पे तो फर्स्ट फैक्टर देखते हैं जी, टाइमिंग्स। पहला फैक्टर है टाइमिंग्स। आप इंशाल्लाह एसी के बाद किसी अच्छी जगह जॉब पे जाओगे, सुबह उठोगे अपनी मर्जी से, फिर अपनी मर्जी से चाय पियोगे, टाइम पास करोगे, फिर मूड बनेगा तो तैयार होके ऑफिस जाओगे, ऐसा होगा सारा कुछ। अगर आप कहीं जॉब पे जा रहे हो तो ये सारा कुछ होगा, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर की कुछ डिफाइंड टाइमिंग्स होंगी ऑफिस की। तो हम फर्स्ट फैक्टर टाइमिंग्स तो भाई मुझे एक बात बताएं, यहां पे मैं क्या मार्क करूं? टाइमिंग्स है, एम्प्लॉयड में मैं क्या लिखूं? डिफाइंड लिखूं या मर्जी लिख दूं? डिफाइंड। दोबारा से सुनिएगा प्लीज। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, यू आर एम्प्लॉयड पर्सन, तो टाइमिंग आपकी अपनी मर्जी की चलेगी या आपके एम्प्लॉयर ने डिफाइन की होगी? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम्प्लॉयड के सामने पहला फैक्टर हमें टाइमिंग का बता रहे कि भाई टाइमिंग्स आर डिफाइंड इन एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप अपना काम कारोबार कर रहे हो तो कोई आपको सिखाएगा, आपके लिए कोई डिफाइन करेगा कि भाई तुम अपना ऑफिस सुबह 10 बजे खोलना, शाम में 6 बजे बंद कर देना। ऐसा होगा आप बोलेंगे भाई चल जा, मेरी मर्जी, मैं जितने बजे खोलूं जितने मर्जी बस बंद कर। तो बेसिकली टाइमिंग्स आर नॉट डिफाइंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। डिफाइंड का मतलब कि कोई दूसरा हमें आके बताएगा नहीं, सिखाएगा नहीं, हम अपने ओन पे डिसाइड कर लें, एक अलग बात है। तो हमने पहला फैक्टर ये सीखा कि अगर जहां पे टाइमिंग्स है ऑफिस की फॉलो करनी सबके लिए जरूरी है तो वो एम्प्लॉयड पर्सन होंगे, एम्प्लॉयड पर्सन होंगे। लेकिन अगर आप अपना काम कारोबार कर रहे हो तो दूसरा आपको आके आपके लिए टाइमिंग सेट नहीं करेगा, आप अपने तौर पे अपने ऑफिस की टाइमिंग सेट कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड बाय एनी अदर पर्सन। सेकेंड हमारे पास, गौर कीजिएगा प्लीज, अब आपको मेरा ख्याल के बात समझ में आना शुरू होगी कि हम यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं। सेकेंड फैक्टर है मेरे पास मेथड एंड मैनर ऑफ वर्क। सेकेंड हमारे पास हेडिंग है मेथड एंड मैनर ऑफ वर्क। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहां पे आपको पूरा एक ट्रेनिंग दी जाती है, आपको टास्क दिए जाते हैं, तो हम मेथड एंड मैनर ऑफ वर्क ये जो बैजेस या फैक्टर है इसको हम एम्प्लॉयड के सामने क्या लिखे? डिफाइंड के भाई एम्प्लॉयड पर्सन के लिए कोई भी काम करने का तरीका, कोई भी पैटर्न, ये तमाम एम्प्लॉयज के लिए डिफाइंड होती है कि ये वाला टास्क आपने किस तरीके से कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आप सोचो आप अपना काम कारोबार कर रहे हो, आप जाती बिजनेस कर रहे हो, तो क्या दूसरा आपको आके सिखाएगा कि ये काम ऐसे करो या आप अपनी मर्जी से डिसाइड करोगे? तो आप जहां आपके
मर्जी चलती है तो वहां पे ये चीज दूसरे की तरफ से डिफाइंड नहीं की जाती। हाँ, अपने जात के लिए आप खुद से कुछ तरीकेकार अपना लो, एक अलग बात है। तो मेथड एंड मैनर ऑफ वर्क इज नॉट डिफाइंड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय एनी अदर पर्सन, वेयर एज मेथड एंड मैनर ऑफ वर्क इज डिफाइंड फॉर एम्प्लॉयड पर्सन। याद है, सब ओके भाई? आवाज नहीं है, सब ओके? थर्ड, फाइनेंशियल रिस्क एंड अदर रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब डिफाइंड से हटके थोड़ा सा सोच, अगर ये दोनों हेडिंग्स में एक साथ कवर करने की कोशिश कर, फाइनेंशियल रिस्क और अदर रिस्क एंड रिवॉर्ड, मैं एम्प्लॉयड के लिए बात कर रहा हूं। आप एक जगह जॉब करते हो, आप जिस जगह जॉब करते हो उस कंपनी को इस दफा लॉस हो गया, प्रॉफिट की बजाय क्या हो गया, तो अब क्या आपको सैलरी नहीं मिलेगी? अगर कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया तो आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी। तो भाई जहां पे आप एम्प्लॉय पर्सन होते हो, आप एम्प्लॉयड होते हो, तो वहां पे आपको ना ही कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल रिस्क होता है, ना ही अदर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स होते हैं। लेकिन ये दोनों काम आपके अपने जाती बिजनेस में फॉर श्योरली आपके लिए होते हैं। अब देखो, एक बात समझो, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर देखिए, अगर कंपनी के हालात, बिजनेस के हालात खराब हो जहां पे हम जॉब करते हैं, तो हमारी जॉब भी तो खत्म हो सकती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन अगर कंपनी का नॉर्मल लॉस है या बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो उसकी वजह से आपके लिए कोई डायरेक्टली रिस्क या रिवॉर्ड नहीं है। बोनस भी एक कमिटेड पेमेंट की होती है ना, मतलब रिवॉर्ड्स में आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा वो अगर कंपनी के प्रॉफिट हो तो क्या उस हिसाब से, उतने परसेंट के हिसाब से बोनस मिलता है, एक डिफरेंट कैटेगरी है। लेकिन अगर यही दोनों चीजें आप अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई करें, तो ये फाइनेंशियल रिस्क भी डायरेक्टली आपका है और दूसरे रिस्क एंड रिवॉर्ड भी आपके हैं। याद रख, सब ओके? अब अगली बात करें, अगर मैं टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की बात करूं, नेक्स्ट फैक्टर मेरे पास टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है। आप एक जगह जॉब पे जाते हो, फर्म वाले बोलते हैं भाई जा कल से अपना घर का लैपटॉप लेकर आना और यहाँ पे लगा के काम करना, ऐसा होता है? आपको लैपटॉप फर्म की तरफ से मिलता है, आपको मोबाइल फोन फर्म की तरफ से मिलता है, आपको आने जाने के लिए शायद गाड़ी भी आपकी कंपनी की तरफ से मिले, आपको ये तमाम चीजें आपके एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती हैं। लेकिन कब? जब आप एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट में हम लिख सकते हैं कि प्रोवाइडेड बाय हुम, कौन प्रोवाइड करता है ये? वेरी राइट, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। लेकिन आप अपना काम कारोबार कर रहे हो तो दूसरा आपको आके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स देगा या आपको खुद खरीदने पड़ेंगे? खुद खरीदने पड़ेंगे। तो यकीनन जब आप एक अपना सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की बात करें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई अब हमें कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, हमें अपने जाते खरीदने पड़ेंगे, ओन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे। जब हम अपना काम कारोबार करेंगे तो वी वुड बी यूजिंग ओन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अगली बात करते हैं, यूनिफॉर्म, अनदर फैक्टर या बैच ऑफ ट्रेड। क्या हर कंपनी में एम्प्लॉयज के लिए कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं इसकी लेबर के लिए होता है और मैनेजमेंट के लिए नहीं। चले, मैं इसकी दो तीन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से आपको एग्जांपल्स देता हूँ। एज आई टोल्ड यू के आई वर्क एट केपीएमजी टैक्स, तो मैं अपने फर्म की तरफ से हमारे जो क्लाइंट्स थे, मल्टीपल क्लाइंट्स थे जिनमें पीपीएल, पीपीएल पता है किसी को क्या चीज, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, राइट? पाकिस्तान की दो बड़ी कंपनीज है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की, एक ओजीडीसीएल है और एक पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो पीपीएल वॉज वन ऑफ द क्लाइंट, इसके अलावा जीएस के, ग्लैक्सोस्मिथ क्लाइंट जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसके अलावा आपकी सनोफी, डिफरेंट पीआईए, आपका शेल, पीएसओ, ये तमाम हमारे क्लाइंट्स। तो मैं फर्म की तरफ से जब इन क्लाइंट्स पे जाता था तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते थे। वहां पे वन ऑफ द फैक्टर वॉज यूनिफॉर्म। जैसा एक मॉल पाकिस्तान है, मोबिल ऑयल, अगर आपने सुना हो मोबिल ऑयल, ये कंपनी है, ये मॉल पाकिस्तान बेसिकली कंपनी का नाम है, MAL मॉल पाकिस्तान। तो इनके लिए जरूरी है कि ये एक स्पेसिफिक शर्ट पहने जिसपे कंपनी का लोगो बना हो, पैंट कोई भी हो लेकिन व्हाइट शर्ट जिसपे लोगो। ये सिर्फ लेबर के लिए नहीं बल्कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके लिए भी ये रूल था।
फिर जो जीएसके में मैंने नोट की चीज, वो कहते हैं कि भाई आप 2 दिन फॉर्मल ड्रेसिंग में आओ, फॉर्मल ड्रेसिंग मतलब फॉर्मल पैंट फॉर्मल शर्ट हो, उसके अलावा बाकी दिनों में आपको इजाजत है कुछ भी पहन के आ जाओ, शॉर्ट्स भी पहन के आ जाओ, हमें आपका काम चाहिए, राइट। मैंने डीएचएल जब गया तो वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मैनेजमेंट इनफैक्ट सीएफओ लेवल के हैं तो वो डीएचएल की शर्ट्स पोलो शर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, तो जिसपे डीएचएल का लोगो। तो यूनिफॉर्म का जो फैक्टर है ये हम एम्प्लॉयड पर्सन के लिए हाँ या ना नहीं लिख सकते। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपका नाम क्या है? बॉस। इन्होंने कहा कि भाई एक एम्प्लॉयड पर्सन के लिए जब आप जॉब करते हो तो लाजमी नहीं है कि आपकी एम्प्लॉयर आपको लाजमी यूनिफॉर्म पहने को कहे। तो इसमें हम दो बातें लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं मे बी यस मे बी नो। तो यूनिफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब आप जॉब करते हो तो शायद आपका एम्प्लॉयर आपको कोई यूनिफॉर्म डिफाइन करे या नहीं करे, ये मैनेजमेंट की मर्जी। लेकिन जब आप यकीनन अपना काम कारोबार करोगे तो उसमें कोई यूनिफॉर्म डिफाइन होगा आपके लिए या नहीं होगा? नो। या फिर स्ट्रेट नो, व्हेन यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड तब आपके लिए कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म पहनने की ऑब्लिगेशन नहीं है। जब आप एम्प्लॉयड पर्सन हो तो मे बी आपका एम्प्लॉयर रिक्वायर करे कि भाई आप एक स्पेसिफिक शर्ट पहन लो या टाई लगा लो या लोगो वाली शर्ट पहनो। ये तमाम बातें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिन लोगों ने कॉपी नहीं किया, फॉर मुझे मुझे पूरा यकीन है कि जब वो नोट्स खरीदेंगे तो उन्हें कॉपी की जरूरत पड़ेगी। प्लीज जरा एक अच्छा सा स्नैपशॉट ले जल्दी से। जी प्रॉमिनेंट इनकम में देखिए, जब इस तरह की बात होती तो हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जगह पे क्या है, बहुत सारे ऑफिसेज मेजॉरिटी ऑफिस में टाइमिंग्स होती हैं या नहीं होती है ना, और उसमें रिलैक्सेशन होती है, 10 से 6 आ जाओ, 11 से 7 आ जाओ, या 9 से 5 आ जाओ, राइट। लेकिन टाइमिंग्स होती है ना, कुछ ना कुछ प्रिय भी होता है कि यार मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग है, नाइट है, कुछ ना कुछ तो चीज़ डिफाइन की जाती है ना, बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ा जाता। या एटलीस्ट ये होता है कि आपने एटलीस्ट एम्प्लॉयर के लिए दिन में 6 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, वो 8 घंटे कोई भी हो आप बता दो, वो बिल्कुल उसकी भी अलग पेमेंट्स होती है, राइट। वो आप एम्प्लॉयमेंट इनकम में सीखते। देखें, अगर आप एक फैक्ट्री वर्कर की एग्जांपल है, वो जिन फैक्ट्री में जिन मशीन्स पे काम करता है, वो मशीन्स उसकी अपनी खरीदी हुई है या एम्प्लॉयर की? एम्प्लॉयर की। अगर वही लेबर अपना ही काम कारोबार शुरू करे तो उसको वो मशीन कहीं को दूसरा देके जाएगा या उसको अपनी खरीदनी पड़ेगी? खरीदनी पड़ेगी, ये फर्क। इसी तरीके से अगर आप किसी फर्म में जाओगे तो वहां पे लैपटॉप मोबाइल्स ये तमाम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड करना आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। वो परमानेंटली आपको नहीं दिया जाता, वो आपको यूज करने के लिए दिया जाता है, राइट। वो इस कैटेगरी में आता है, लेकिन वो एम्प्लॉय, ये तमाम किस हेड में जाके आप सीखोगे? एम्प्लॉयमेंट, राइट। अभी हम कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल पर्सन, राइट। तो कंपनी बिजनेस अलग है, इंडिविजुअल पर्सन का बिजनेस अलग है, राइट। हाँ, मतलब कि अगर कंपनी को लॉस हो गया तो ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय उल्टा कंपनी को सैलरी देगा, ऐसा तो नहीं होता ना, राइट। हाँ, एट द एंड होगा क्या कि एम्प्लॉय को शायद जॉब से फारिग कर दिया जाए या वो अपनी नई जॉब ढूंढ के नई जगह चला जाए, कोई भी डायरेक्ट डायरेक्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एम्प्लॉय के नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज सुने तमाम लोग प्लीज। देखिए, हम टेक्स्ट में जो भी कोई डिस्कशन करेंगे ना, वो बिला वजह नहीं होगी। मैं आपको हमेशा छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा कि यार ये 2 पेज की डिस्कशन, ये पूरे पेज की डिस्कशन आपके 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। अब एग्जामिनर इसमें से किस तरह का सवाल पूछता है वो जरा सुनिए।
एग्जामिनर कहता है कि प्लीज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैजेस ऑफ ट्रेड शोज दैट पर्सन इज एम्प्लॉयड पर्सन। क्या बोल रहा है एम्प्लॉय, किसके एग्जामिनर किसके बारे में पूछ रहा है कि बताओ नीचे दिए गए फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर इंडिकेट करें कि पर्सन एम्प्लॉयड पर्सन है, या वाइस वर्सा पूछ सकते हैं कि प्लीज आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंडिकेट्स दैट अ पर्सन इज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आपने अब ये देखना है कि इन फैक्टर्स की बेस पे आपके किट में भी तकरीबन 5 से 6 सवाल इन फैक्टर्स या बैजेस ऑफ ट्रेड के मौजूद हैं। यहां तक सही भाई साहब? अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये सारी डिस्कशन करने का पर्पस ये था कि भाई अगर ये फैक्टर्स या बैजेस ऑफ ट्रेड इंडिकेट कर रहे हैं तो आपकी इनकम होगी एम्प्लॉयमेंट इनकम, आप इस जगह से मिलने वाले पैसों के एम्प्लॉयमेंट इनकम कंसिडर करोगे, और अगर आपकी बैजेस ऑफ ट्रेड इंडिकेट करें कि आपके ये वाले बैजेस ऑफ ट्रेड हैं तो आपकी जो मिलने वाली इनकम है वो ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम का पार्ट होगी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही यही है कि हम ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा सुनो, एक स्टूडेंट ने अभी एक पॉइंट रेस किया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, डे वन पे बहुत क्लियरली माइंड में रख लेना। आप एक शॉप रन करना चाह रहे हो, आप एक शॉप रन करना चाह रहे हो। शॉप रन करने के दो तरीके हैं, शॉप खोलो और बैठ के अपना काम करना शुरू कर लो। दूसरा तरीका, शॉप खोली, काम शुरू करने से पहले उस शॉप को एज अ कंपनी रजिस्टर करवा लिया। जरा लॉजिकली सोचो, आप अपना काम तो कर रहे हो लेकिन अपना काम करने का जो पहला मेथड था ना वो डिफरेंट है और मेथड टू डिफरेंट है। मेथड वन में आपने शॉप खोली और काम करना शुरू कर दिया, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाई, तो ये कौन सा बिजनेस हुआ? सोल ट्रेडर बिजनेस। सोल ट्रेडर को हम अनइनकॉर्पोरेटेड भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका जो था, आपने शॉप ही रन करनी थी लेकिन शॉप को पहले एज अ कंपनी रजिस्टर किया, तो उस बिजनेस को हम क्या नाम देंगे? इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। वेरी राइट, इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस वो कंपनी की बात होती है और अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस किसकी बात होती है? आपके सोल ट्रेडर की। दोबारा से गौर से सुन लीजिएगा क्योंकि टेक्स्ट का मसला ये है कि पहली दफा में बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती। दोबारा से सुन, आप एक शॉप ही रन करना चाह रहे हो, शॉप रन करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, आप उसको अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के तौर पर लेकर चलो। अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब आपने शॉप को कहीं को रजिस्ट्रेशन कंपनी के तौर पर रजिस्टर नहीं किया। तो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस किसके लिए होते हैं? सोल ट्रेडर्स के लिए। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस मतलब सोल ट्रेडर बिजनेस। और अगर उसी शॉप को एज अ कंपनी बना लिया तो अब वो सोल ट्रेडर बिजनेस नहीं है, वो कौन सा बिजनेस है? कंपनी बिजनेस। और इस वजह से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट चेंज आ गया। पहले वाला मेथड हो तो टैक्स कौन सा लगेगा? इनकम टैक्स। दूसरा मेथड हो तो टैक्स कौन सा लगेगा? कॉर्पोरेशन टैक्स। फॉर द लास्ट टाइम, हम एक शॉप बनाई, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस लेकर चल रहे, उस पर जो टैक्सेशन होनी है वो इनकम टैक्सेस है। अगर हम उसी बिजनेस को, उसी शॉप को एज अ कंपनी बना लेंगे, अब जो टैक्सेस लगेंगे वो कौन से लगेंगे? कॉर्पोरेशन टैक्सेस लगेंगे। तो एक ड्रामेटिक चेंज आ जाता है इन दी टैक्स टाइप। तो यहां पे जो हमारी सारी डिस्कशन है, ये हम बात करने जा रहे हैं अपने पास कि भाईजान, एक पर्सन, आप, मैं, कोई भी पर्सन, हम एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस लेकर चलना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए उस बिजनेस से मिलने वाली हमारे लिए जो इनकम होगी वो ट्रेडिंग इनकम होगी, जिसे हम बिजनेस इनकम भी बोलेंगे। और अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का मतलब सोल ट्रेडर बिजनेस। मैं इसको लिख भी देता हूं, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का मतलब सोल ट्रेडर बिजनेस। बोले बोले। टैक्स प्लानिंग में सीखेंगे ये चीज, भर के सवाल आते हैं इसी तरह के आते हैं। अच्छा जी देखें, आप FA1, FA2, F3 में आपने एक कॉमन चीज ये सीखी, अकाउंटिंग पीएनएल बनाना सीखा। पीएनएल कैसे बनता है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऐड कर दो अदर इनकम, लेस कर दो एक्सपेंसेस, तो कहां तक पहुंच जाते हैं? नेट प्रॉफिट। यही यहां पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की हेडिंग है,
सेल्स लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अकाउंटिंग में हम कहते हैं कि अगर कोई एसेट बेचा है तो बेचने का गेन ऐड कर लो, अगर लॉस होता तो यहाँ पे क्या हो चुका होता, माइनस। प्लीज जरा यहाँ पे फोकस रहे और साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पे गेन ऐड हो रहा है प्रॉफिट में तो लॉस होता तो क्या होता, इंटरेस्ट रिसीव अगर होता है तो यहां पे ऐड हो जाता है, फिर आप डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस माइनस करते हो। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है, फॉर एग्जांपल कस्टमर एंटरटेनमेंट, फॉर एग्जांपल रिपेयर मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल रेंट एंड रेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, 1,000,00,000 तरह के एक्सपेंसेस यहां से माइनस हो सकते, राइट right? तो ग्रॉस प्रॉफिट से ये तमाम इनकम ऐड होती है, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, तो आपके पास नेट प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाता है, आपके पास ये अमाउंट आ जाती है अकाउंटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। सब सहमत है इस बात, सब एग्री है इस बात भाईजान? हम जो टैक्स देते हैं हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे टैक्स देते हैं या टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे? बहुत सारे बच्चों को सवाल ही समझ नहीं आया, इसमें बुरी बात नहीं है, हम ये सीखने के लिए यहां, राइट? हमने ये अकाउंटिंग में, इधर गौर कीजिएगा, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, ये हमने कैलकुलेट किया लास्ट, अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया, क्या टैक्स का रेट, क्या टैक्सेस वगैरह इस अकाउंटिंग प्रॉफिट पे दिए जाएंगे? आंसर इज नो। व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन तो टैक्स दिया जाता है उन प्रॉफिट्स पे जो प्रॉफिट्स टैक्स वालों की मर्जी के मुताबिक कैलकुलेट हो। और कीजिएगा बात में, दोबारा सुनिएगा, टैक्सेशन पर्पसेस के लिए टैक्स दिया जाता है उन प्रॉफिट्स पे जो टैक्स वालों की मर्जी के मुताबिक कैलकुलेट हो। ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है ये टैक्स वालों की मर्जी के मुताबिक कैलकुलेट हुआ या बिजनेस वाले की मर्जी के मुताबिक? तो भाई उसने अपना बिजनेस चलाया, अपने अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग में ये वाला प्रॉफिट निकाल लिया, ये इस पे टैक्स नहीं देगा। टैक्स वाले बोलेंगे जाओ भाग जाओ, इस अमाउंट पे हम टैक्स नहीं लेंगे तुमसे। अगर टैक्स देना है तो पहले हमारी मर्जी के मुताबिक प्रॉफिट्स निकालो, उन प्रॉफिट्स पे तुम टैक्स दोगे, और जो टैक्स वालों की मर्जी के मुताबिक के प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है? जोर से बढ़ेगा, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। आखिरी वर्ड बोल दिया भाई, प्रॉफिट खत्म। ऐसा नहीं भाई, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे टैक्स नहीं देते, टैक्सेशन पर्पसेस के लिए वो प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं जिसको टैक्स वाले एक्सेप्ट करें। टैक्स वाले जो प्रॉफिट्स को एक्सेप्ट करते हैं वो कौन से होते हैं? टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या बनता है? टीटीपी, तहरीके। इसको टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। एक टैक्सेशन में ना एक ही चीज के बहुत सारे नाम है, अब आपने वो सारे मेमोराइज करने हैं। खुदा ना खासा एग्जामिनर ने टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट की बजाय लिख दिया कैलकुलेट टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, आप बोलोगे अल्लाह ये क्या चीज है, ये तो हमने कभी सुनी नहीं। तो भाई हमें याद होना चाहिए टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट या टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम भी कहते हैं, राइट? ये वो प्रॉफिट्स होते हैं जो टैक्स वालों की मर्जी के मुताबिक कैलकुलेट हुए हों, ये वो प्रॉफिट्स होते हैं जो टैक्स वालों की मर्जी के मुताबिक कैलकुलेट हुए हों। टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम। अब सवाल ये पैदा होता है, हम यकीनन ये सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या मसला था अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में, ऐसी क्या चीज थी कि इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्स वालों ने नहीं माना, इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्स वालों ने नहीं माना और बोला चलो जल्दी से अपने टैक्स टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स निकालो, ये हमारी मर्जी के मुताबिक प्रॉफिट्स होंगे, इस पे आपकी टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी, कोई रीजन बताएगा? जी नॉन कैश, और बोलो, बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन इंपैक्ट। जी सही है, आपका पॉइंट भी वैलिड है। जी टाइमिंग डिफरेंस, सही, आई एस 12 याद आ रहा होगा, राइट? डोनेशन, सॉरी पेनल्टीज को नहीं मानते, एसेट्स को इनकम कंसीडर करते हैं,
अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। देखो सुन नहीं बैठना आप, आपका गलत जवाब मेरे लिए बेहतरीन जवाब होगा, लेकिन आपने जवाब एटलीस्ट देना है। बहुत सारे मुझे रीजन मिले और सबके सब वैलिड रीजन है भाई, शायद जिसने बताया है उसका जवाब दूसरों को समझ नहीं आया, लेकिन मैं बता सकता हूं उसका पॉइंट वैलिड है। जितने भी तक जवाब है बताएंगे, ये क्यों नहीं मानते? वो किसी और ने ले लिया पॉइंट, कुछ और सोचे जल्दी से, टाइम ले थोड़ा सा। कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन क्यों करवाई जा रही है और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को पे टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा? पॉलिसीज डिफर हो सकती हैं, और बोलो। लॉस डिफर कर सकते हैं, बिल्कुल दैट्स अ वैलिड पॉइंट, लेकिन हम टैक्स में ना दोनों चीजें सेम ही पढ़ रहे हैं। हमारे हर सवाल में अकाउंटिंग पीरियड वही होगा जो टैक्स ईयर होगा, राइट? चल एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, शायद आपको कैलकुलेटर साथ में चलाने की जरूरत पड़े, शायद। दो दोस्त हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ने एसईसी शुरू किया, नहीं हुआ, F9 के बाद सोचा चलो अपना काम करते हैं, अब एसईसी तो पूरा हो नहीं रहा। दोस्त है ना, दोनों ने एक एक शॉप ले ली बिल्कुल साथ में, और दोनों ने एक ही जैसा काम करना शुरू किया। माशाल्लाह, शॉप का साइज सेम है, दोनों का बिजनेस नेचर सेम है। दोनों ने बोला कि यार आजकल गर्मी बहुत हो रही है, 50 डिग्री से ऊपर जा रहा है, चलो शॉप में एसी लगवा लेते। सही है, दोनों गए एक एसी वाले के पास, दोनों ने 1-1 लाख रुपए का एक एसी खरीदा, आके लगा दिया। जब साल के एंड में अकाउंटिंग करने बैठे ना, यहां पर नहीं बनती उनकी, बोले अकाउंटिंग अपनी अपनी। पहले ने एसी की डेप्रिसिएशन की स्ट्रेट लाइन मेथड पे, और दूसरे ने की रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एसी कितने का था, खरीदने की डेट सेम, एसेट की प्राइस भी सेम, खरीदने की डेट भी सेम, दोनों का बिजनेस नेचर भी सेम, दोनों की तमाम चीजें सेम थी, लेकिन जब अकाउंटिंग में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस हुआ ना, तो एक बंदे ने 10,000 का एक्सपेंस माइनस किया और दूसरे ने 20,000 का एक्सपेंस माइनस किया। दोनों के प्रॉफिट भी सेम थे, ग्रॉस प्रॉफिट भी सेम था, लेकिन एक चीज के फर्क की वजह से नेट प्रॉफिट डिफरेंट हो। वो फर्क सिर्फ किस चीज का था? अब ये दोनों अपने अकाउंट्स उठा के, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स उठा के एचएमआरसी के पास गए, तो एचएमआरसी ने देखा दोनों के मामला तमाम चीजें सेम, ग्रॉस प्रॉफिट तक मामला सेम। एक बंदे की डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए की 10,000 आ रही है, दूसरे की 1 लाख रुपए की एसी की डेप्रिसिएशन 20,000 आ रही है, यार ये क्या हो रहा है? एचएमआरसी ने बोला कि भाई ये अपनी अपनी डेप्रिसिएशन उठाओ और वापिस जाओ, हम दोनों की डेप्रिसिएशन को नहीं मान, हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ही नहीं मान। तो भाई इस तरह की और बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना, हमें टैक्स देने के लिए क्या निकालने पड़ने की जरूरत है, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, जिनमें मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, किसी ने एस्टिमेशन का वर्ड यूज किया था। सही है, ये डेप्रिसिएशन पॉलिसी है या एस्टिमेशन है? एस्टिमेशन है भाई, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज ऑल्सो एन एस्टिमेशन, राइट? रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ऑल्सो एन एस्टिमेशन। तो डिफरेंट एस्टिमेशन, डिफरेंट चीजें होने की वजह से टैक्स वाले बोलते हैं कि जाओ हम किसी की डेप्रिसिएशन नहीं मानते। आपने अगर 10,000 माइनस किए, दूसरे ने 20,000 माइनस किए, चलो इसको उठा के वापसी एड बैक करवाओ, और हम आपको तरीका बता रहे हैं, उससे शॉप वन वाला भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा, शॉप टू वाला भी, शॉप थ्री वाला भी, शॉप एक्स वाई जेड वाला भी, फिर सबकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका सेम होगा, क्योंकि ये तरीका किसने बताया होगा, एचएमआरसी। याद रख, सही भाई? अब अगली चीज हो, देखो लिखने लिखाने पे मैं आऊंगा, पहले थोड़ा माइंड मेकअप कर रहे हैं हम। मैं सब लिखवाऊंगा भी, मैं सब सिखाऊंगा भी, लेकिन थोड़ा सा माइंड मेकअप। अब इसकी बात करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट हमें, हम जो पीएनएल सीखते हैं उसमें हमें ये चीज मालूम है कि अगर एक एसेट बेचा, बेचने पे गेन है तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दो, एसेट डिस्पोजल किया, डिस्पोजल पे लॉस हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट से, हमेशा हम एसेट के डिस्पोजल को अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड या लेस करवाते हैं, यकीनन ये काम करते हैं। कभी कोई ऐसा हुआ कि आपने पीएनएल बनाया हो तो गेन को यहां पे ऐड ना करवाया हो? करते ना हमेशा। तो जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स बनाते हैं तो
अकाउंटिंग प्रॉफिट में गेन ऑन डिस्पोजल को ग्रॉस प्रॉफिट में यकीनन ऐड करते हैं, हम ऐड करके एचएमआरसी के पास चले गए। एचएमआरसी ने बोला कि भाईजान ये जो आपने यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल को ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड किया ना, आपने अपनी अकाउंटिंग के हिसाब से सही किया है, हमें उसमें कोई गम नहीं है, आप अपनी अकाउंटिंग जैसे भी करते रहो, लेकिन तुम्हें टैक्स देना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम इस गेन को यहां जो ऐड किया इसको क्या करवा लो, लेस करवाओ। क्योंकि क्या एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव या आप ये समझ लें कि कोर बिजनेस एक्टिविटी एक बिजनेस की क्या होती है, इन्वेंट्री का बेचना या नॉन करंट एसेट्स का बेचना? कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है भाई? इन्वेंट्री सेल करना, ना के नॉन करंट एसेट बेचना। तो पहला रीजन एचएमआर, हमने बोला ना कि भाई क्यों इस गेन को जो हमने ऐड करवाया हम इसको माइनस क्यों करवाएं? तो एचएमआर से हमें रिप्लाई दे रही है कि देखो तुम्हारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी इन्वेंट्री का सेल करना है, नॉन करंट एसेट का सेल करना, तो भले इसको तुमने बेचा भी है, बेच के तुम्हें गेन हुआ भी है, लेकिन ये तुम्हारी ट्रेडिंग एक्टिविटी में ऐड नहीं होना चाहिए। तुमने ऐड कर लिया अकाउंटिंग में रहते हुए, फाइन, लेकिन अब टैक्स देने की बारी आई है तो हमारी मर्जी के मुताबिक चलो और इस ये एडजस्टमेंट करो, इस गेन को जो तुमने यहाँ पे ऐड किया इसको यहाँ से हटाओ। आपने बोला ठीक है, आपकी बात समझ में आती है कि इन्वेंट्री का बेचना कोर बिजनेस एक्टिविटी है और नॉन करंट एसेट का बेचना कोर बिजनेस एक्टिविटी, ये वन ऑफ ट्रांजेक्शन होती है जब आप अपने नॉन करंट एसेट्स बेचते हो, कोई और रीजन भी दो। तो एचएमआरसी ने बोला, जरा गौर से सुनिए, हम कौन से टैक्सेस की बात करें, ट्रेडिंग इनकम पे कौन सा टैक्स लगता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स 6 तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम कवर करता है, प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेंशन। तो हम ये इनकम टैक्सेस की बात करें। अब एचएमआरसी ने हमें एक और रीजन दिया, बोला देखो ये तुम्हारे नॉन करंट एसिड का डिस्पोजल है, नॉन करंट एसिड का डिस्पोजल ट्रेडिंग इनकम नहीं है, इसको यहां से हटाओ, प्लस इस पे लगने वाला टैक्स भी डिफरेंट है, कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा इसके ऊपर, समझ गए? तो देखो हर चीज की लॉजिक या रीजन होता है। अनदर रीजन जी, तब भी उस पे रिलीफ मिल, राइट जी, उसको यहां पे अकाउंट में वापसी एड बैक करवाओगे और कैपिटल गेन्स में जाके टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि अब उस पे रिलीफ मिलेगा, आप वो लॉस कहीं एडजस्ट होकर आपका टैक्स कम हो जाए, वो कैपिटल गेन्स में देखें। अब अगली चीज जरा आप लोगों के लिए मैं सोचने के लिए दे रहा हूं भाईजान, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं, थोड़ा सा अपनी सोच लड़ाएं। अकाउंटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड हुआ, सिर्फ सोचिए दिमाग में अपने हद तक, इसके बारे में एचएमआरसी क्या बोलेगी जब आप ये लेकर जाओगे ऐड करके उनको दिखाओगे, अपने हद तक सोचें। मोहम्मद खान, यू नीड टू परचेज इट फ्रॉम द फोटोकॉपी ऑफ यस। जी हो गए भाई, डिसाइड हुआ, अगर किसी से पूछो जवाब मिल सकता है फिर चले। हु इज विलिंग टू आंसर? आप में से खुद प्लीज वॉलंटरी, आप तो बहुत सारे जवाब दे चुके हो, आप भी दे चुके, मैं चाहता हूं कोई और खुद से वॉलंटियर। थोड़ा थोड़ा जोर से सब सुनेंगे, पीछे तक आवाज आनी चाहिए, जरा जोर से प्लीज।
वैसे देखो पहला सवाल, हमने अकाउंटिंग के हिसाब से ये काम सही किया या गलत किया? अकाउंटिंग के हिसाब से सही किया। अकाउंटिंग में हमें यही सिखाती है कि अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो यहाँ पे एडअप करवा। लेकिन टैक्स के हिसाब से ये काम सही है या गलत है? गलत है। अब आप बताओ क्यों गलत है? आप ब्लू शर्ट हो, अदर इनकम में तो है, यहां पे ये एडिट अप टैक्स वाले इसके बारे में क्या कहेंगे? इसको ऐड रहने दो या इसको माइनस करवाओ, इसको लेस करवाओ, क्योंकि एक बिजनेस की, यहां भी उनका पॉइंट सेम है। क्या एक बिजनेस का मेन काम ये होता है कि वो पैसा कहीं पे, देखो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस, मैं बात कर रहा हूं कि आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, वहां से भले आपको इंटरेस्ट मिला भी है, लेकिन क्या ये इंटरेस्ट कमाना आपके बिजनेस की मेन कोर एक्टिविटी है? तो अगर आपने इंटरेस्ट कमा भी लिया तो टैक्स वाले बोलते हैं कि भाई इसको यहां से माइनस करो, बिकॉज इट्स नॉट योर मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी। प्लस दूसरा रीजन साथ में वो ये देते हैं कि भाईजान इस इंटरेस्ट इनकम पे लगने वाला टैक्स और उस पे उसका एक अलग हेड मौजूद है। हमने सोर्सेस ऑफ इनकम में कहीं पर पढ़ा था ना इंटरेस्ट इनकम, तो ये इंटरेस्ट इनकम ट्रेडिंग प्रॉफिट में ऐड नहीं होगी, बल्कि इंटरेस्ट इनकम अलग से रिपोर्ट होगी और उस पे अलग से एक टैक्सेशन होगी, इसके मामला अलग से। अगर ये यहाँ पे ऐड की गई है तो इसको यहां से हमें माइनस करवाना पड़ेगा। यहां तक सही भाई? अब बात करते हैं कस्टमर इंटरटेनमेंट की, लास्ट डेप्रिसिएशन की तो बात होगी ना हमारी। इंटरेस्ट इनकम अलग से सोर्सेस ऑफ इनकम में रिपोर्ट की जाएगी जी, इंडिविजुअल जी। ये बिजनेस में अगर आपने कुछ इस तरह, बिजनेस भी किसका ये? अच्छा लास्ट जी, कस्टमर इंटरटेनमेंट लिखा है, हम अकाउंटिंग में कस्टमर इंटरटेनमेंट को एक एक्सपेंस मानते हैं जी, बिल्कुल मानते हैं। हमने कस्टमर्स के लिए एक पार्टी अरेंज की, उनको खिलाया पिलाया सब कराया, तो हम जितना भी खर्चा किया उसको अकाउंटिंग पीएनएल से माइनस कर देते हैं। लेकिन टैक्स वाले पंगा डाल देते हैं, वो बोलते हैं कि ये कस्टमर इंटरटेनमेंट हम आपको अलाउड एक्सपेंस नहीं करते, हम आपको ये वाला आप एक्सपेंस माइनस करना अलाउ नहीं करें, क्योंकि वो इसका भी रीजन देते हैं। अकाउंटिंग में उन्होंने बोला ठीक है तुमने किया है 100 दफा करो, कस्टमर इंटरटेनमेंट को तुम एज एन एक्सपेंस अकाउंटिंग में माइनस करते रहो, लेकिन जब टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बारी आएगी उसकी कैलकुलेशन में हम ये एक्सपेंस माइनस करना अलाउ नहीं करेंगे। वजह वजह ये कि एचएमआरसी वाले कहते हैं कि आपने ये जो कस्टमर इंटरटेनमेंट पे खर्चा किया ना, तो ये आपका डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, आपको नहीं मालूम जिस पर्सन ने, जिस कस्टमर ने ये कस्टमर इंटरटेनमेंट अवेल नहीं भी की, अगर उसने आपसे खरीदना है वो तब भी खरीदेगा, और जिसने आपसे ये पूरी आपकी पार्टी जिसने अटेंड कर भी ली, सारे मजे लूट लिए, उसने अगर आपसे कुछ नहीं खरीदना वो तब भी नहीं खरीदेगा। तो ये इसलिए डायरेक्टली आपके बिजनेस एक्टिविटी से ये एक्सपेंस पर्टेन नहीं करता, इसीलिए हम आपको ये वाला एक्सपेंस अलाउड नहीं कर। वेरी गुड। एक बात बताएं, कैरीज आउटवर्ड्स, एक कस्टमर ने आपसे एक चीज खरीदी, आपने उसको डिलीवर करने का बोला, और डिलीवरी एक्सपेंस को आप क्या नाम देते हैं? कैरिज आउट। इनवर्ड्स, खरीदने को और डिलीवर करने को क्या नाम दिया जाता है? कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड्स की नेचर, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस बहुत क्लियर है। आप ये माल किसको डिलीवर कर रहे हैं? कस्टमर को, जिसने आपसे कुछ खरीदा, आपको ये, आप उसको ये डिलीवर करके दे रहे हैं, तो दैट्स फॉर श्योरली योर ट्रेडिंग एक्सपेंस, क्योंकि ये आप उस कस्टमर के लिए कर रहे हैं जिसने, जो आपका अब कस्टमर बन चुका है। ये जिन लोगों को आप बुला के दावतें दे रहे हैं, जिनको एंटरटेनमेंट करवा रहे हैं, उनको डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज दिला रहे हैं, क्या वो इस एक्सपेंस के इंकर करने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल टू अट्रैक्ट न्यू, अच्छा बात सुन, मार्केटिंग एक्सपेंस को आप किसी कस्टमर के नाम पे लिखते हो या जनरल एक्सपेंस, क्योंकि वो पता नहीं होता ना कि कोई आएगा नहीं आएगा। इसी तरीके से कस्टमर इंटरटेनमेंट जो आपने करवा दी, उसका हमें इन फ्यूचर पता नहीं है कि इसकी वजह से हमारे पास कौन सा कस्टमर कुछ खरीदेगा या नहीं, इसीलिए आपको ये डायरेक्टली कस्टमर से रिलेट नहीं करता, हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए इसको डिसअलाउ किया जाए, राइट। और इसका अदर रीजन एक और भी है कि इस कस्टमर एंटरटेनमेंट में आप बहुत तरह के एक्सपेंसेस छुपा के माइनस करवा रहे होते हो, इसीलिए भी आपको ये डिसअलाउ किया जाता है। अब देखिए ये तमाम बात का अब क्रक्स समझ लें कि हमने बेसिकली करना क्या है। जब भी कभी हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आएंगे, हम ट्रेडिंग इनकम में क्या सीखने जाएंगे? सबसे पहले हम अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, सोल ट्रेडर बिजनेस में, ट्रेडिंग इनकम में ये चीज सीखेंगे कि जब अकाउंटिंग प्रॉफिट्स होंगे तो उनको टैक्सेबल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना। पहला काम क्या करना है? अकाउंट
अकाउंटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया होता है उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट में, जिसे टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है और टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट माइंड बना ले अपना कि सबसे पहले यू वुड बी कन्वर्टिंग द अकाउंटिंग प्रॉफिट इनटू द टैक्सेबल प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप, अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है? बाय मेकिंग टैक्स एडजस्टमेंट, बाय मेकिंग टैक्स एडजस्टमेंट। अब आपने क्या सीखा अभी तक? हमने सबसे पहले हमने बैजेस ऑफ ट्रेड की बात की, बैजेस और फैक्टर्स ऑफ ट्रेड, कि हमें कुछ चीजों की बेस पे पता चलता है कि बंदा जॉब कर रहा है या अपना काम कर रहा है। इन फैक्टर्स या बैजेस ऑफ ट्रेड की बेस पे हमें पता चलता है कि पर्सन जॉब कर रहा है या अपना काम कारोबार कर रहा है। फिर हमने कहा अगर वो अपना काम कारोबार कर रहा है तो उसके अकाउंटिंग में कुछ प्रॉफिट्स आएंगे। टैक्स वाले इन प्रॉफिट्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को नहीं मानते, वो कहते हैं टैक्स देना है तो उसके लिए टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालो। अब अक्सर बच्चे माइंड में सोच रहे होंगे कि अगर हम ये नहीं निकालते टैक्सेबल प्रॉफिट्स, हम अड़ जाते हैं, हम नहीं मानते, हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे टैक्स देंगे, हम टैक्सेबल प्रॉफिट्स तक नहीं जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिस कंट्री में आप रहते हुए बिजनेस रन कर रहे हो ना, उस कंट्री के लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल। अगर आप अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि अपना अलग मुल्क बनाओ और उसमें अपना काम चलाओ, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर आपको किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में कोई काम कर रहा हो तो अल्टीमेटली उस कंट्री के तमाम टैक्स लॉज, बिजनेस लॉज, पार्टनरशिप लॉज, तमाम लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो उस कंट्री में अपना काम कारोबार चलाने के लिए उस कंट्री के रूल्स लॉज को फॉलो किया जाता है, माना जाता है। हम यहाँ पे इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को, हम यहाँ पे इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को उठाएंगे और इसको हम बिल्कुल टॉप लेवल पे ले जाएंगे। हमने इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखा अकाउंटिंग प्रॉफिट, फिर इसमें डिफरेंट तरह की टैक्स एडजस्टमेंट्स करना शुरू किया। टैक्स एडजस्टमेंट्स में अब पहली वन बाय वन बात करते हैं। अब आप मुझे बताना, मैंने कहा अगर मैं नंबर वन की बात करूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट में गेन ऑन डिस्पोजल एडिड था, इसको टैक्स एडजस्टमेंट में दोबारा से ऐड करवाएं या लेस करवाएं? तो आप लिखोगे, मैं पूरा पुराना लिखा, मैं सिर्फ रेफरेंस मार्क कर रहा हूं। नंबर वन था गेन ऑन डिस्पोजल ऐड था अकाउंटिंग प्रॉफिट में, टैक्सेबल प्रॉफिट्स में जाते हुए इसको हमने माइनस करवाना है। उसका रीजन मैं पहले बता चुका कि हम जो गेन ऑन डिस्पोजल है इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो गेन ऑन डिस्पोजल है इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और एक बिजनेस की कोर एक्टिविटी ये नहीं होती कि अपने नॉन करंट एसेट्स बेचे। नंबर टू, यहां पे इंटरेस्ट रिसीव को ऐड किया गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, जल्दी से बताओ बच्चों यहां पे क्या करें? लेस नंबर टू, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम का एक अलग हेड है, ये वहां पे रिपोर्ट होगा। और अगेन, एक बिजनेस की मेजर एक्टिविटी ये नहीं होती कि वो पैसा इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाए। नेक्स्ट थिंग, अच्छा बाय द वे, अगर यहां पे डिविडेंड रिसीव भी होता, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट में यहां पे डिविडेंड रिसीव भी एडिड होता तो उसको भी क्या करते? माइनस करते, क्योंकि डिविडेंड रिसीव अलग से रिपोर्ट होगा, उसका एक अलग हेड है टैक्स में, और उसकी टैक्सेशन एक अलग तरीके से होती है, राइट? नेक्स्ट थिंग, अब मैं बात कर रहा हूं नंबर थर्ड की, भजान नंबर थर्ड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस किया गया। क्या अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स वाले मानते हैं? नहीं मानते। तो अगर यहां पे ये एक्सपेंस माइनस किया गया तो हम इसको यहां पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नंबर थर्ड का रेफरेंस दे रहा हूं कि तीसरी जो चीज वहां पे माइनस हो चुकी है, बैक करवा दो। और लास्ट थिंग, कस्टमर एंटरटेनमेंट यहां पे माइनस हो चुका था तो इसको भी यहां पे क्या करवा लो? ऐड करवा लो। देखो, मार्केटिंग जिस तरह से हम उसको कहीं एलोकेट नहीं करते ना, प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते, वो तो हम उसको एक्सपेंस तो मानते हैं लेकिन उसको प्रोडक्ट में एलोकेट नहीं। इस तरीके से ये वाला जो कस्टमर एंटरटेनमेंट, इसको तो सीरियस से ही टैक्स वाले मानते ही नहीं, राइट? अच्छा, नेक्स्ट थिंग जरा गौर से सुनिएगा, एक 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 लॉजिकल डिस्कशन। ये तो हमने बात की इन सब के हिसाब से कि ये ऐड था, ये माइनस किया, ये ऐड था, ये माइनस किया, ये माइनस था, इसको ऐड किया, ये भी माइनस है, इसको ऐड किया। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ चार एडजस्टमेंट्स नहीं है, ये जो हमने हेडिंग मार्क की है ना टैक्स एडजस्टमेंट्स की, ये हेडिंग में रहते हुए बहुत सारा कुछ करना होता है। ये जो टैक्स एडजस्टमेंट्स हैं, ये सिर्फ ये चार एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिर्फ एक 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 आइडिया देने के लिए था, एक एग्जाम्पल देने के लिए ये चार नाम थे।
टैक्स एडजस्टमेंट दिखाऊं कितने तरह की है। पढ़ो क्या आया था, स्लाइड्स देखना। ये एडजस्टमेंट वन है, एडजस्टमेंट टू, एडजस्टमेंट थ्री, फिर एडजस्टमेंट थ्री चल रहा है, फिर एडजस्टमेंट थ्री चल रहा है, फिर एडजस्टमेंट फोर। तो ये जो हमने चार नाम यहाँ पे लिखे हैं, ये बेसिकली एक डिटेल डिस्कशन है जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। अक्सर हम देखो, टेक्स्ट का पेपर इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट इन स्किल्स पेपर, राइट? बट दैट्स नॉट डिफिकल्ट। ये इतनी सारी चीजें हैं, ये दो क्वेश्चंस करने की देर है आपको, ये सारी चीजें माइंड में बैठ जाएगी, राइट? अब आखिरी चीज, एक और छोटी सी डिस्कशन, फिर ब्रेक आप लोग लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे? क्या करोगे, इतनी गर्मी है, बाहर जाके क्या करोगे? आई नो के बहुत ड्यूरिंग लेक्चर जब एक बात चल रही होती है ना, तो बीइंग स्टूडेंट हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल मचल रहे होते हैं, राइट? कि हम पूछना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन शर्म के मारे हम पूछ भी नहीं रहे होते, या ये पहली दूसरी क्लास का इम्पैक्ट होता है कि अभी बहुत ज्यादा वो आपकी ट्यूटर से बातचीत नहीं होती, तो आप पूछने में हिचकिचा रहे होते हो। तो भाई, आपको टेक्स्ट के चीजें पढ़ते वक्त ना थोड़ा सा खुद को होल्ड करना पड़ता है, आपकी क्यूरीज कुछ देर में ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड हो जाती है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं। लाजमी नहीं कि मैं हर चीज अभी क्लियर करूं, शायद चार स्लाइड के बाद जाके आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली, आपको उसका आंसर मिल जाए। अब एक 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 छोटी सी डिस्कशन के बाद आखिरी चीज मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। मुझे यहाँ पे एक चीज डिस्कस करनी है। आप एक चीज सोचो, मैं उन्हीं दो दोस्तों की एग्जाम्पल पे वापस जा रहा हूं जो दोनों एसी खरीद के आए थे। वो अलग बात है कि एक ने 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, दूसरे ने 20,000 की थी, लेकिन टैक्स वालों ने दोनों की डेप्रिसिएशन उठा के वापस कर दी, बोला एड बैक कर लो, ये डेप्रिसिएशन दोनों की अलाउड नहीं है। लॉजिकली सोचो, क्या एसेट की वैल्यू कम नहीं हुई या हुई? हुई ना, एसेट की वैल्यू तो कम हुई, लेकिन टैक्स वालों ने तो दोनों की डेप्रिसिएशन को यहां पे ऐड करवा दिया। ये ऐड डेप्रिसिएशन वो इस वजह से ऐड करवाया था क्योंकि हर बंदा अपने ही नई डेप्रिसिएशन उठा के आ रहा था, डिफरेंट वैल्यू उठा के आ रहा था, अपनी मर्जी की उठा के आ रहा था। टैक्स वाले भी इस बात को समझते हैं कि यस, एसेट वैल्यू हैज डिक्लाइंड, एसेट वैल्यू हैज डेप्रिशिएटेड। अब उन्होंने अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन तो मना कर दी, लेकिन उसकी जगह खुद से अपने तरीके के मुताबिक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाएंगे। तो जो टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन होगी वो एक अलाउड एक्सपेंस होगा, वो एक अलाउड एक्सपेंस होगा, और यहां से वो माइनस करना भी अलाउड होगा। तो हम यहां पे लिख रहे हैं लेस। टैक्स एडजस्टमेंट्स में रहते हुए हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को माइनस करवाएंगे, सॉरी डेप्रिसिएशन को माइनस करवाएंगे, लेकिन वो डेप्रिसिएशन जो टैक्स वालों की मर्जी के मुताबिक कैलकुलेटेड हो, उसको नाम दिया जाता है कैपिटल अलाउंस। आई रिपीट, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वर्ड है, टैक्स में डेप्रिसिएशन को क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल अलाउंस। डेप्रिसिएशन का टैक्स में नाम है कैपिटल अलाउंस। तो हमने कहा यहां पे टैक्स वालों को भी मालूम है कि भाई एसेट की वैल्यू इन एक्चुअल तो कम हुई है, तो वो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करवाते हैं, लेकिन उसकी जगह कैपिटल अलाउंस अलाउ करते हैं। कैपिटल अलाउंस के साथ साथ स्लैश करके SBA भी लिख दो। कैपिटल अलाउंस इज अ टैक्स डेप्रिसिएशन, यानी कि वो डेप्रिसिएशन जो टैक्स वालों की मर्जी के मुताबिक कैलकुलेटेड है, उसका नाम दिया जाता है कैपिटल अलाउंस। याद रहेगा सबको SBA, सब अभी बताऊं? चलो, SBA का नाम है कमर्शियल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस। SBA स्टैंड्स फॉर कमर्शियल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस। SBA याद रख लो, स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस, राइट? कमर्शियल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस इज कॉल्ड SBA, स्ट्रक्चर बिल्डिंग अलाउंस।
अच्छा देखो बात सुनो, ये कैपिटल अलाउंस एसबीआई में होगा, बताऊं क्या? वो जो दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में रहते हुए डिफरेंट कैलकुलेट की थी, अगर वो डेप्रिसिएशन को टैक्स वालों की मर्जी के मुताबिक कैलकुलेट करें, यानी कि कैपिटल अलाउंसेस के मुताबिक कैलकुलेट करें, तो दोनों की डेप्रिसिएशन फिर भी मुख्तलिफ आएगी या सेम आएगी? तब दोनों की डेप्रिसिएशन सेम आएगी। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि कौन सा मोर एक्यूरेट मेथड है, तो भाई अकाउंटिंग में तो आपकी मर्जी है, वो बिजनेस अपने तरीके से एस्टिमेट करता है कि वेदर बिजनेस शुड यूज स्ट्रेट लाइन, आरबीएम, आरली, या यूनिट मेथड, या सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन सबके लिए ऑल टुगेदर सेम आती है, तो हम दोनों को इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? तो यहां पे एक चीज याद रखना कि कैपिटल अलाउंस या एसबीए एक अलाउड एक्सपेंस है, इसको माइनस किया इस तरीके के डिफरेंट एडजस्टमेंट करने के बाद आप फाइनली एक अमाउंट पे पहुंचते हो, और इस अमाउंट को आप क्या नाम देते हो बताओ? टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, और क्या नाम दिया था इसको? टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, और इसको क्या नाम दिया था? टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम, राइट? अच्छा एक बात सुनो, ये वाली जो इनकम है ना, ये वाली जो फाइनल अमाउंट आई हमारे पास, जिसको हमने नाम दिया टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम, या टैक्सेबल प्रॉफिट्स, ये वाली इनकम आपके सोर्सेस ऑफ इनकम में जाके ऐड होगा, इसको भी रेफर कर दो। इसका हम क्या करेंगे, फाइंड करके इस अमाउंट को फिर उठा के कहां पे ऐड कर देंगे? ऐड टू सोर्सेस ऑफ इनकम। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के छह तरह के सोर्सेस होते हैं, तो उन छह तरह के सोर्सेस में जब ट्रेडिंग इनकम आएगी, वो टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम जाके, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट जाके आपके सोर्सेस ऑफ इनकम में ऐड हो जाएंगे। यहां तक सही है भाई? टाइम हो रहा है 4:35, कितने मिनट्स का ब्रेक चाहिए? ओके, और 55 पे क्लास में वापस आइए। 20 मिनट्स ब्रेक, 4:55। आप लोग अपना टाइम जाया कर रहे हैं, 4:55 पे क्लास में वापस आ जाइए। वेलकम बैक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट्स को कोरियर के थ्रू डिलीवर करवा सकते हैं। आपको एक TSA फोटो कॉपियर का नंबर दिया जाएगा, उनसे आप कॉन्टेक्ट करेंगे, वो आपको थ्रू आउट पाकिस्तान नोट्स डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है?
वेलकम बैक। ओके ब्रेक में जाने से पहले हमने अपने एक एरिया की डिस्कशन स्टार्ट की। छह सोर्सेस में से हमने फर्स्ट सोर्स डिस्कस करना स्टार्ट किया जिसका नाम है ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम का मतलब एक सोल ट्रेडर बिजनेस के बारे में बात की। सोल ट्रेडर बिजनेस अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे नहीं बल्कि अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे टैक्स देता है। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट तक जाने के लिए डिफरेंट तरह की टैक्स एडजस्टमेंट्स की जाती है। अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट तक जाने तक के लिए डिफरेंट तरह की टैक्स एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। ये टैक्स एडजस्टमेंट्स हम यकीनन टैक्स वालों की मर्जी के मुताबिक कर रहे होते हैं। अब यहां पे इसका रीजन मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारे टैक्स वालों की नजर में चीजें अलाउड हैं, कुछ चीजें डिसअलाउड हैं, तो हम ये तमाम काम टैक्स वालों की मर्जी के मुताबिक करते हैं। टैक्स एडजस्टमेंट्स करने के बाद फाइनली हम एक अमाउंट पे जाते हैं जिसका नाम है टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स या टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम। और जब ये फाइनली इनकम हमारे पास आ जाती है हम इसको ले जाके अपने पास सोर्सेस ऑफ इनकम में ऐड करवा देते हैं। जी ये ट्रेडिंग इनकम प्लस एम्प्लॉयमेंट इनकम प्लस एनी अदर सोर्स ये तमाम ऐड होंगे, टोटल आएगी। टोटल में से पर्सनल अलाउंस माइनस होगा, टैक्सेबल इनकम आएगी, फिर आपके टैक्स रेट अप्लाई होंगे, फिर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। भाई यहां तक सारे लोग क्लियर हैं? किसी का कोई पॉइंट है, कोई कंसर्न है तो प्लीज रेज योर कंसर्न। टोटल इनकम देखो लेट मी ओपन। जो हम बात कर रहे हैं ये स्लाइड आपकी देखी हुई है, कुछ देखा हो ना लास्ट क्लास में आपने। देखिए आपके पास इनकम टैक्स या पर्सनल टैक्स में सोर्स ऑफ इनकम, सोर्सेस ऑफ इनकम में प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेंशन, ये तमाम ऐड होती हैं, टोटल इनकम तक जाते हैं, फिर टोटल में से पर्सनल अलाउंस माइनस होता है, टैक्सेबल तक जाते हैं। तो बेसिकली अभी ब्रेक से पहले तक हमने ये डिस्कशन की कि ये ट्रेडिंग इनकम कौन सी इनकम होगी जो तमाम तरह की टैक्स एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपके पास आई। तो यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग इनकम आपके पास कैलकुलेट हुई, ये जो लास्ट में अमाउंट कैलकुलेट हुई, इसी अमाउंट को उठा के आप अपने पास सोर्सेस ऑफ इनकम में यहां पे ऐड करवा रहे होते। अब क्लियर हुआ पॉइंट सबको कि जो हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट में मल्टीपल टैक्स एडजस्टमेंट्स की उनके बाद जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आए उस ट्रेडिंग इनकम को, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को आपने उठा के अपने पास सोर्सेस ऑफ इनकम में एडअप करवाना है बाकी सोर्सेस के साथ। जब ये अमाउंट एड हो जाएगी तो आपके पास टोटल इनकम आएगी, फिर टोटल इनकम में से आप अपने पास पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम तक जाएंगे, इस टैक्सेबल इनकम पे फिर टैक्स रेट अप्लाई होते हैं, देन फाइनली हमारे पास इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। जी यहां पे आप जिस तरह ट्रेडिंग इनकम लिखा ना, आप इसको यहां पे टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स लिख सकते हैं। यहां पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये कौन सी इनकम है? यकीनन टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, राइट? अच्छा जी अब जितनी भी हमने बात की अब उसकी बेस पे जरा आगे बढ़ते हैं। अब यही आप कुछ वर्डिंग में जितनी भी हमने डिस्कशन की अब कुछ वर्डिंग्स में हमारे पास बातें आ रही हैं। एक हेडिंग है मेरे पास अकाउंटिंग की, एक हेडिंग है टैक्स लॉ की और एक हेडिंग है टैक्स एडजस्टमेंट की। भाई जान जरा गौर करना बात पे, अकाउंटिंग में आपने जो हरकत की हम उसको टैक्स की नजर से देखेंगे, अकाउंटिंग में आपने जो काम किया हम उसको टैक्स की नजर से देखेंगे,
और जिस तरह से टैक्स वाले बोल रहे हैं वो टैक्स ट्रीटमेंट कर देंगे। नंबर वन पढ़ते हैं, देखिए ज्यादा चीजें समझने की हैं। अकाउंटिंग में पहली हेडिंग है मेरे पास ट्रेडिंग इनकम की। अकाउंटिंग में आपने क्या काम किया हुआ है, अंग्रेजी में पढ़े क्या लिखा हुआ है, एन अमाउंट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड एज ट्रेडिंग इनकम। एक अमाउंट को हमने ट्रेडिंग इनकम नहीं कंसिडर किया था। ये काम कहां पे किया हमने, अकाउंटिंग में एक अमाउंट को हमने ट्रेडिंग इनकम कंसिडर नहीं किया। टैक्स वाले उस अमाउंट के बारे में आपको क्या बोल रहे हैं, टैक्स लॉ पढ़े। टैक्स वाले अगर बोल रहे कि इट शुड बी कंसिडर्ड एज ट्रेडिंग इनकम, टैक्स वाले क्या बोल रहे हैं कि ये वाली अमाउंट जिसको आपने ट्रेडिंग इनकम नहीं माना, हम कह रहे हैं टैक्स लॉ कह रहा है कि ये आपकी ट्रेडिंग इनकम है। तो अगर डैडी लोगों ने बोल दिया कि आपकी ट्रेडिंग इनकम है, हम उसको क्या करें, इग्नोर करें या उनकी बात माने। उनकी बात मानने के लिए उस अमाउंट को हमें टैक्स एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा, माइनस कराना पड़ेगा, और ऐड करवाना पड़ेगा भाई। एक अमाउंट जिसको आपने अकाउंटिंग में इनकम नहीं माना था, टैक्स वाले बोल रहे हैं भाई ये आपकी इनकम है, अगर उन्होंने बोल दिया ये आपकी इनकम है तो आप उसको अपने पास ऐड करवा लो। जी इनका सवाल है कि सर वो इनकम होगी कैसे, वही अगेन हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल मचल रहे होते हैं। थोड़ी देर में वेट करें, मैं आगे बढ़ूंगा तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि कौन सी ऐसी अमाउंट थी जिसको हमने अकाउंटिंग में इनकम नहीं माना, टैक्स वाले इसको इनकम मान रहे हैं, तो हम उसको विद एग्जाम्पल आगे बढ़ेंगे। राइट, तो ये जो आपको 1, 2, 3, 4 नजर आ रहे हैं ना, इनकी आगे कहानियां यहां से स्टार्ट होंगी। एडजस्टमेंट वन, जो टू है वो एडजस्टमेंट टू है, जो वहां थ्री है वो एडजस्टमेंट थ्री है। राइट, अच्छा जी अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में भी आपको ट्रेडिंग इनकम ही नजर आ रहा है, फर्स्ट भी ट्रेडिंग इनकम था, सेकंड भी ट्रेडिंग इनकम है। इसके बारे में बोलो क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग में आपने इस अमाउंट को, एन अमाउंट हैज बीन कंसीडर्ड एज ट्रेडिंग इनकम, अकाउंटिंग में एक अमाउंट को आप इनकम के तौर पे, कौन सी इनकम के तौर पे, ट्रेडिंग इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में टैक्स लॉ क्या बोलता है, टैक्स लॉ बोलता है कि इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रेडिंग इनकम। हम क्लास में अराउंड 60 लोग होंगे, जरा नजर घुमा के देख लिया, हम क्लास में अराउंड 60 लोग होंगे। जो बच्चा नेक्स्ट क्लास में या तो क्लास में देर से आएगा या ब्रेक से वापसी देर से आएगा। ओके रिफ्रेश, हम क्लास में अराउंड 65 स्टूडेंट्स हैं। जो बच्चा नेक्स्ट क्लास में देर से आएगा या क्लास में देर से आएगा या ब्रेक के बाद देर से आएगा, तो वो आते हुए जरा पूरी क्लास के लिए कुछ लेता हुआ है, खाली आता ना अच्छा नहीं लगेगा उसे। ये रूल सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है। जब कभी मैं लेट हूंगा तो मैं भी आप सबके लिए कुछ ना कुछ करूंगा, और ये रूल आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो नाउ इट्स योर कॉल कि आप टाइम से आना पसंद करेंगे या सबको ट्रीट देना पसंद करेंगे। राइट, ऑल राइट। तो देखो जो अभी बच्चे हैं वो भी जरा गौर से सुन लीजिएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव किया और नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास दो तीन हेडिंग्स आई। एक हेडिंग है अकाउंटिंग की, दूसरी हेडिंग है टैक्स लॉ की, तीसरी हेडिंग है टैक्स ट्रीटमेंट की। यहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग में हमने जो काम किया उसको टैक्स की नजर से देखो, और टैक्स की नजर से देखो जो टैक्स लॉ कहता है उसके मुताबिक एक्ट करो। पहली एग्जाम्पल ट्रेडिंग इनकम से रिलेटेड है। ट्रेडिंग इनकम, अकाउंटिंग में हमने एक अमाउंट को इनकम नहीं माना था, लेकिन टैक्स वाले बोल रहे ये अमाउंट आपकी ट्रेडिंग इनकम है। अगर टैक्स वालों ने किसी अमाउंट के बारे में बोल दिया ये आपकी ट्रेडिंग इनकम है, तो हम उसको यकीनन ऐड कर रहे होंगे। अब हम सेकंड की बात कर रहे थे,
सेकंड में भी ट्रेडिंग इनकम है, इसके बारे में लिखे अकाउंटिंग में हमें इस अमाउंट को क्या किया, दिस अमाउंट हैज बीन कंसीडर्ड एज ट्रेडिंग इनकम। एक अमाउंट को हमने अकाउंटिंग में खड़े होकर ट्रेडिंग इनकम बोल दिया, लेकिन टैक्स लॉ क्या बोलता है कि इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रेडिंग इनकम। तो अगर टैक्स वाला ने इस अमाउंट को ट्रेडिंग इनकम मानने से इनकार कर दिया तो हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। ऐसी जरा सोचो कौन सी चीज होगी जिसको टैक्स वाले इनकम नहीं मान रहे होंगे। यहां से रेफर करो, फॉर एग्जाम्पल गेन ऑन डिस्पोजल, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग में हमने इन दोनों को अकाउंटिंग में एज एन इनकम मान के ऐड किया था, लेकिन टैक्स वाले बोलते हैं ये आपकी इनकम तो है लेकिन ट्रेडिंग इनकम नहीं है, ये आपका पैसा तो आया है लेकिन ये ट्रेडिंग प्रॉफिट्स नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या करो अपने पास से माइनस करो। अगली बात, तमाम लोग साथ रहिएगा प्लीज। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नंबर थर्ड पे भी है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नंबर फोर्थ पे भी है, नंबर थर्ड के बारे में बात कर रहा हूं। कह रहे हैं कि कुछ ऐसी अमाउंट्स जिनको आप अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस कर चुके हो, ये कौन से हेडिंग में पढ़ा मैंने, अकाउंटिंग में रहते हुए कुछ एक्सपेंसेस को आप डिडक्ट कर चुके हो फ्रॉम अकाउंटिंग पीएनएल। किसकी एग्जांपल दे रहा है, यहां से रेफर करो, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल कस्टमर एंटरटेनमेंट, इन दोनों को आप अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट से एज एन एक्सपेंस माइनस कर चुके हो, लेकिन टैक्स लॉ क्या कहता है, These expenses are not allowed to be deducted. एक अमाउंट जो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है एक्सपेंस के तौर पे, एचएमआरसी ने बोला कि ये वाला एक्सपेंस अलाउड नहीं है, तो अगर उन्होंने बोल दिया ये वाला एक्सपेंस अलाउड नहीं है तो इसको वापसी क्या कर दो, एड कर दो, ठीक है जी, लिख दिया। नंबर फोर्थ, कुछ एक्सपेंसेस, फ्यू एक्सपेंसेस अकाउंटिंग में पढ़ रहा हूं, हैव नॉट बीन डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग पीएनएल। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी अमाउंट जो हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस नहीं की होती, लेकिन टैक्स वाले बोलते हैं कि जाओ जी लो जिंदगी, हम तुम्हें ये एक्सपेंसिस डिडक्ट करना अलाउ कर रहे हैं, दीज एक्सपेंसिस आर अलाउड एज डिडक्शन। तो अगर एचएमआरसी ने हमें कुछ डिडक्ट करना अलाउ कर दिया तो हम उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। रेफर करो पीछे से, किस चीज के बारे में, ये वाली चीज के बारे में बात हो रही है यहां, क्या इस कैपिटल अलाउंस को अपने अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट से कहीं से माइनस किया था, इस कैपिटल अलाउंस को हमने यहां से कहीं भी माइनस नहीं किया था, लेकिन एचएमआरसी ने बोला कि जाओ ये वाला एक्सपेंस हम तुम्हें अलाउ कर रहे हैं तो माइनस करवा लो, तो हम इसको माइनस करवा लेंगे, राइट। तो बेसिकली ये जो दो दफा हेडिंग डली हुई है, ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग इनकम, फिर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, 1, 2, 3, 4, ये जो चार नंबर्स हैं, ये नेक्स्ट पेज पे आप रेफर करें, 1, 2, 3, 4, ये एडजस्टमेंट 1, ये एडजस्टमेंट 2, ये एडजस्टमेंट 3, ये एडजस्टमेंट नंबर 4, ये बेसिकली चार डिफरेंट तरह की एडजस्टमेंट है जिसको हम वन बाय वन सीखेंगे। दोबारा से इसको एक दफा रिकॉल करते हैं, रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि कुछ ऐसी इनकम जो इनकम के कुछ ऐसी अमाउंट जो इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुई, एचएमआरसी ने बोल दिया ये आपकी ट्रेडिंग इनकम है तो उसको हम सिंपली हम ऐड करेंगे। कुछ ऐसी अमाउंट जो हम ट्रेडिंग इनकम में ऐड कर देते हैं लेकिन एचएमआरसी वाले मना करते हैं कि आपकी इनकम तो है लेकिन ट्रेडिंग इनकम नहीं है, तो उसको यहां से क्या करवाना है, माइनस। फिर हमने कहा नंबर थर्ड, कुछ ऐसे एक्सपेंसिस जो हम अकाउंटिंग पीएनएल से माइनस कर चुके होते हैं, एचएमआरसी बोलती है ये वाला एक्सपेंस हम आपको अलाउ नहीं कर रहे, तो वापसी एड बैक करवाओ। और नंबर फोर्थ के कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने अकाउंटिंग पीएनएल से माइनस, भाई इजाजत है थोड़ा आ जाऊंगा, अगर तस्वीरें खत्म हो गई हो, ले लिया सबने स्नैपशॉट, नंबर फोर्थ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो अकाउंटिंग पीएनएल से माइनस नहीं हुए होते, एचएमआरसी बोलती है कि दीज आर अलाउड एक्सपेंसेस, तो हम उसको सिंपली अपने पास लेस करेंगे। बच्चा याद रखना, ये जितनी भी टैक्स एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, ये टैक्स एडजस्टमेंट हम सिर्फ एक पर्पस के लिए कर रहे होते हैं, क्या चीज फाइंड करने के लिए, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के लिए ये तमाम तरह की टैक्स एडजस्टमेंट्स हो रही होती है। याद रखना, ये जितनी भी हमने
यहाँ पे लिखा ना टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स एडजस्टमेंट, तो ये तमाम तरह की टैक्स एडजस्टमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बट वी नीड टू कैलकुलेट, द टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, इसके लिए ये सारा काम कारोबार हम कर रहे होते हैं। यहां तक सही भाई? नंबर वन। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर ऐसी कौन सी इनकम है कि जिसको हमने ट्रेडिंग इनकम नहीं माना, ऐसी कौन सी अमाउंट है जिसको हमने ट्रेडिंग इनकम नहीं माना, और एचएमआरसी वाले बोलते हैं ये आपकी ट्रेडिंग इनकम है, चलो इसको ऐड करवाओ। तो पहली इस चीज को समझने के लिए, ये जो ट्रेडिंग इनकम फर्स्ट हेडिंग है इसको समझने के लिए वी हैव एडजस्टमेंट नंबर वन। इस चीज को समझने के लिए वी हैव एडजस्टमेंट नंबर वन। जरा 2 मिनट के लिए अकाउंटिंग की बात याद करते हैं। ये सारा लिखा लिखा में वैसे ही फौरन से समझ में आ जाएगा। यार हम सोल ट्रेडर बिजनेस के बारे में बात करें, सेठिया बिजनेस की बात करें, राइट? सेठ अपने घर कुछ लेके जाते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? ड्राइंग्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मालूम है किसी को? नहीं, वो तो कैपिटल, वो तो बैलेंस शीट है। ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। अगला सवाल, ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट। इन्होंने बोला ड्रॉइंग्स की एक डबल एंट्री बनती है, ड्रॉइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन क्या कोई कसम है कि हमेशा कैश ही लेकर जाए? सेठ चाहे तो इन्वेंट्री भी घर लेके जा सकते हैं, कोई भी चीज बिजनेस से लेके जा सकता है। तो जो भी चीज लेकर जाएगा, बेशक वो कैश हो या इन्वेंट्री हो, ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश इन्वेंट्री या कोई भी चीज वो क्रेडिट हो जाती है। याद रखिए। अब अगली चीज, ड्रॉइंग्स को हमेशा हमेशा और हमेशा हम अकाउंटिंग में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? क्या एक फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो पेन सेल करता है, वो पेन सेल करता है 10 का, अगर वो पर्सन वो पेन अपनी जात के लिए ले जाए, ड्राइंग कर ले, तभी वो 10 पे रिकॉर्ड करेगा या कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा। तो याद रखना कि ड्रॉइंग्स अकाउंटिंग में हमेशा किस बेस पे रिकॉर्ड होती है? हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। कुछ गलत तो नहीं कहा? तो हमने दो बातें सीखी कि ड्रॉइंग्स क्या होती है, कि जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेस से कुछ विड्रॉ करे, दैट्स कॉल्ड ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग्स को नॉर्मली अकाउंटिंग में हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यार अगर ऑनर अकाउंटिंग में क्या हुआ होगा, सोचो जरा, लॉजिकली सोचो। आप एक बिजनेस के ऑनर हो, आप सेठ हो, आप बिजनेस से अपनी जात के लिए कुछ भी ले गए पर्सनल यूज के लिए, वो आपके लिए ड्रॉइंग्स हैं। क्या उस ड्रॉइंग से आपको कोई इनकम आई? आपने ड्रॉइंग्स को इनकम के तौर पे तो रिकॉर्ड नहीं किया ना, लेकिन एचएमआरसी वालों ने पंगा डाल दिया यार। एचएमआरसी ने बोला कि हम नहीं मानते कोई सेठ है, हम नहीं मानते कि वो ड्रॉइंग्स है, वो अपनी जाति यूज के लिए कोई चीज घर ले गया है, हम इस बुलशिटिंग को नहीं मानते। एचएमआरसी ने बोला कि भाई हम ऑनर के कोई भी चीज घर ले जाने को ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे ये चीज एक नॉर्मल कस्टमर को सेल की है। दोबारा से सुनिएगा, ड्रॉइंग्स का कॉन्सेप्ट सोल ट्रेडर बिजनेस की अकाउंटिंग के लिए तो है, लेकिन इस ड्रॉइंग की चीज को एचएमआरसी वाले सिरे से मानते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, हम इस चीज को मानते नहीं है कि सेठ अपने यूज के लिए कुछ घर ले गया। तो भाई अगर आप ये नहीं मानते तो फिर क्या करें? तो एचएमआरसी ने गाइड किया कि आप ड्रॉइंग्स को भी ऐसे रिकॉर्ड करो कि जैसे ये चीज किसी नॉर्मल कस्टमर को सेल की है। अगर किसी नॉर्मल कस्टमर को सेल की जाए चीज, तो हमेशा उसको किस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया जाता है? सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है। याद रख, सही है भाई? अब होप कि आपका मॉस, अब आपका होपफुली कि ये पॉइंट क्लियर होगा कि सर ऐसी कौन सी अमाउंट थी, नंबर वन की बात करते हैं, ऐसी कौन सी अमाउंट थी कि जिसको हमने ट्रेडिंग इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं किया था? नाउ यू नो द आंसर, वो क्या चीज थी? और जोर से बोलो, क्या चीज थी? ड्रॉइंग्स को हमने इनकम के तौर पे रिकॉर्ड, लेकिन एचएमआरसी ने बोला कि भाई हम किसी ड्रॉइंग श्राइंग को नहीं मानते, हम ये समझते हैं कि जैसे ये नॉर्मल चीज बेची और नॉर्मल कस्टमर को बेची, तो इसको अपनी सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करो। तो इसीलिए हमारी, देखो, अब एक चीज जो पहले कॉस्ट पे रिकॉर्डेड थी उसको सेलिंग प्राइस पे ले जाने के लिए, अब ओवरऑल आपकी सेल प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो दैट्स द रीजन कि इस अमाउंट को यहां पे हमें क्या करवाया गया, हमसे ऐड करवाया। अब मजीद आगे बात करते, अब कुछ ये लिखा हुआ है, कुछ पढ़ ले तमाम लोग, क्या लिखा हुआ है नजर आ रहा होगा सबको, जरा गौर से पढ़े।
एडजस्टमेंट वन में लिखा कि एन अमाउंट हैज नॉट बीन कंसीडर्ड एज ट्रेडिंग इनकम एंड इट शुड बी कंसीडर्ड एज एक अमाउंट जो ट्रेडिंग इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं हुई थी लेकिन टैक्स लॉ बोलते हैं कि आपकी ट्रेडिंग इनकम है। इसकी एग्जाम्पल में लिखा है ऑनर्स ड्रॉइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ड्रॉइंग्स ऑफ इन्वेंट्री आर नॉर्मली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। अकाउंटिंग में हम ड्रॉइंग्स को हमेशा किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट पे। लेकिन अब टैक्स वाले क्या बोल रहे हैं? टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? ड्रॉइंग्स शुड बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल सेल। तो ड्रॉइंग्स को एज अ नॉर्मल सेल के तौर पर रिकॉर्ड करना है। अब अगली बात सुनो, अब सेठिया बिजनेस भी दो तरह के होते हैं ना। एक सेठिया बिजनेस जो प्रॉपर अकाउंटिंग करता है, डबल एंट्रीज रिकॉर्ड करता है, तमाम अकाउंट्स को नॉर्मली बनाता है। दूसरा सेठिया बिजनेस जो किसी भी तरह की कोई नॉर्मल अकाउंटिंग भी नहीं करता। दोनों तरह के बिजनेस होते हैं ना, दो दो तरह के दिमाग होते हैं। है सेठिया बिजनेस ही सोल ट्रेडर बिजनेस, लेकिन फर्स्ट बिजनेसमैन कहता है कि यार मेरे बिजनेस की प्रॉपर अकाउंटिंग हो, और सेकंड बिजनेसमैन वो कहता है कि मुझे प्रॉपर अकाउंट्स की जरूरत नहीं। तो हमारे पास इस सिचुएशन की वजह से दो हेडिंग्स आई। पहली हेडिंग लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ये उस बिजनेस में हुआ होगा जहां पे कुछ प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, राइट, जहां पे नॉर्मल डबल एंट्रीज वगैरह पास होती है। अगर नॉर्मल डबल एंट्रीज वगैरह पास होती है तो वहां पे यकीनन ड्राइंग्स कॉस्ट पे रिकॉर्ड की गई होंगी। और दूसरा ऐसा बिजनेस है कि जहां पे प्रॉपर अकाउंट्स ही नहीं बनते, वहां पे ड्राइंग्स या किसी भी चीज की कोई नॉर्मल फॉर्मल एंट्रीज पास ही नहीं होती। तो अब हमें अपने क्वेश्चंस में रहते हुए ये देखना है कि हमें किस तरह की एडजस्टमेंट दी गई, राइट। देखो हमने ये तो समझ लिया कि ड्राइंग्स को हमने इनकम के तौर पर तो नहीं रिकॉर्ड किया होता। एचएमआरसी ने बोला ये आपकी इनकम है, अब आप इसको नॉर्मल सेल के तौर पर रिकॉर्ड करो। अब जब रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे तो पहले हमें देखना पड़ेगा क्या उस ड्राइंग्स की कोई नॉर्मल एंट्री भी बनी थी या नहीं बनी थी। अगर नॉर्मल ड्राइंग्स की एंट्री बनी होगी तो ड्राइंग्स फॉर श्योर नहीं विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, और अगर कोई एंट्री नहीं बनी होगी तो फिर तो मामले खत्म। अब गौर से सुनना, एक चीज जिसको आप बेचते हो 150 का, वो खरीदी थी आपने 100 की, तो यकीनन उसमें से प्रॉफिट एलिमेंट कितना होगा? अब अगर कॉस्ट वाली चीज आ चुकी है अकाउंट्स में, कॉस्ट वाली चीज का मतलब कितनी अमाउंट की, कौन सी अमाउंट आपके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो रही होगी? 100 की, उसको तो रिवर्स करना ही करना है, प्लस उसके साथ क्या चीज एडअप करवा देनी है? 50 का प्रॉफिट। तो इस सिचुएशन में हमें जो एडजस्टमेंट करनी होगी वो सिर्फ कितनी अमाउंट की करनी होगी? 50 की। दोबारा से सुनिएगा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल के जहां पे लिखा हुआ कि ड्रॉइंग्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, तो यकीनन एक डबल एंट्री पास हो चुकी होगी आपके अकाउंट में। कॉस्ट कितनी है इस पूरी सिचुएशन में? अज्यूम किया 100। आपके अकाउंट्स में कौन सी अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही होगी? 100। इस 100 को तो हमें पता है, इसको तो एडजस्ट करेंगे, प्लस साथ में कहां तक ले जाना है उसको? प्रॉफिट एलिमेंट तक। क्योंकि अगर ड्राइंग एक नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करना है तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस तक जाने के लिए कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का फर्क किस चीज का होता है? आपका प्रॉफिट का। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट के एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। अगर सोचो, सुनो और करो कि अगर आप एक अमाउंट जिसकी कोई एंट्री ही रिकॉर्ड ना हो, एक चीज आप नॉर्मल कस्टमर को बेचते हैं 150 की, आपने वो खुद खरीदी थी 100 की, प्रॉफिट एलिमेंट है 50 का, लेकिन ये जो कह रहा है कि नो एंट्री मेड, तो मतलब ये कुछ इसमें से कोई भी अमाउंट आपके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अब बताओ जो पूरी ओवरऑल एडजस्टमेंट है वो कितने अमाउंट पे की जाएगी? 150 पे की जाएगी। तो यहां पे हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, हर जगह पे जहां ये ट्रीटमेंट आएगा वहां पे आपको सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम अपने माइंड में ये चीज बिठाएंगे कि हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट को डिस्कस किया, हमने कहा कि एक ऐसी अमाउंट जिसको ट्रेडिंग इनकम के तौर पर नहीं माना था हमने अकाउंटिंग में, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि ये वाली अमाउंट आपकी ट्रेडिंग इनकम है, तो चलो इसको एडअप करवाओ। अगर एडअप करवाना है, अगर वो कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है तो प्रॉफिट एलिमेंट की एडजस्टमेंट होगी, अगर वो रिकॉर्डेड ही नहीं है तो पूरी सेलिंग प्राइस पे इसको एडजस्ट किया जाए। याद रख, सही है भाई। अब सेकंड हमारे पास एक हेडिंग थी, सेकंड में बोल रहा था कि एक अमाउंट जिसको आपने तो ट्रेडिंग इनकम मान लिया, एक अमाउंट जिसको बिजनेस ने तो ट्रेडिंग इनकम माना लेकिन एचएमआरसी ने मना कर दिया कि आपकी इनकम तो है लेकिन ट्रेडिंग इनकम नहीं है।
उसके बारे में हमने कहा, क्या कहा था, इसको क्या किया जाएगा, यकीनन लेस किया जाएगा। अब जरा इधर गौर से पढ़ लें बात, इसको समझने के लिए वी हैव एडजस्टमेंट नंबर टू। एडजस्टमेंट नंबर टू में भी ऊपर वही सारा, जरा गौर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है, जोर से पढ़ें क्या लिखा है ये। जरा गौर करना, ये सारी हरकत, ये वाली जो हरकत है, ये हमने की हरकत और कहां पे की, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में की या टैक्सेबल प्रॉफिट्स अकाउंट। अब ये हरकत जो है ना, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में, आपने अकाउंटिंग में उठा के एक अमाउंट को एडअप करवा दिया और उसको ट्रेडिंग इनकम बना दिया, जैसा कि यहां पे आपने इन दोनों को उठा के ग्रॉस प्रॉफिट में एडअप करवा दिया था, यानी कि ये भी ट्रेडिंग का पार्ट बन गए थे। एचएमआरसी ने बोला भाई क्या कर रहे हो, ये आपकी पैसा आया तो है, इनकम तो है, लेकिन हमारी नजर में ये आपकी ट्रेडिंग इनकम नहीं है। देखो वो किसी भी पॉइंट इन टाइम पे ये नहीं कह रहे कि आपकी इनकम ही नहीं है, वो ये मान रहे हैं कि ये आपकी इनकम तो है लेकिन ये ट्रेडिंग इनकम नहीं है, नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी से पैसा कमाया। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे ग्रॉस प्रॉफिट में आप क्या क्या कुछ ऐड कर सकते हो, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, गेन ऑन डिस्पोजल। ये वहां पे सिर्फ दो एग्जाम्पल थी मेरे दोस्तों, यहां पे सिर्फ दो एग्जाम्पल थी, लेकिन अब यहां पे हमारे पास चार एग्जाम्पल्स आ गए कि इन चारों में से किसी भी अमाउंट को आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में एडअप करवाते हो इनकम के तौर पे, या आपकी इनकम तो है लेकिन ट्रेडिंग इनकम नहीं है। इसके बारे में फिर क्या बोला गया, ऑल ऑफ द अबव अमाउंट्स आर नॉर्मली एडेड इन अकाउंटिंग पीएनएल, बट अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉ दीज अमाउंट्स आर नॉट योर ट्रेडिंग इनकम एंड दे हैव सेपरेट हेड फॉर टैक्सेशन पर्पसेस सच एज फॉलोज। एचएमआरसी ने बोला कि आपकी इनकम है लेकिन ट्रेडिंग इनकम नहीं है और इसको टैक्स करने के लिए अलग हेड मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव्ड को हम किस हेडिंग में लेकर जाएंगे, यहां पे बेसिकली मैं यहां से रेफर करता हूं, यहां अभी अकाउंटिंग में हम क्या हरकत करते हैं कि तमाम इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, गेन ऑन डिस्पोजल, रेंट रिसीव, सबको उठा के इस हेडिंग में डाल देते हैं, यही करते हैं। एचएमआरसी ने मना किया, बोला अगर इसमें रेंट रिसीव्ड है तो वो प्रॉपर्टी का पार्ट होगा, अगर डिविडेंड रिसीव्ड है तो वो डिविडेंड इनकम होगा, अगर वो आपको इंटरेस्ट रिसीव है तो इंटरेस्ट इनकम होगा, अगर यहाँ पे कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल है तो उस पर क्या टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यानी कि इस अमाउंट में आपने जो चार तरह की इनकम घुसा दी उसको ट्रेडिंग बना दिया, ये ट्रेडिंग नहीं है, इनके लिए अलग हेड्स मौजूद है। अगर रेंट रिसीव है तो प्रॉपर्टी के सामने लिखो, अगर वो इंटरेस्ट रिसीव है तो इंटरेस्ट इनकम के सामने लिखो, डिविडेंड रिसीव है तो डिविडेंड के सामने लिखो, इस पूरी को उठा के ट्रेडिंग इनकम में नहीं डालो। याद रख, सही भाई, यही यहां पे लिखा गया फिर कि इंटरेस्ट रिसीव को हम इंटरेस्ट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, डिविडेंड रिसीव को डिविडेंड इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, रेंट रिसीव वुड बी कंसीडर्ड एज प्रॉपर्टी इनकम, गेन ऑन डिस्पोजल वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन, और लास्ट में लिखा सो इफ यू हैव एडिड एनी ऑफ द अबव अमाउंट्स इन अकाउंटिंग पीएनएल तो हम डिडक्ट करेंगे उस अमाउंट को फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। हम उस अमाउंट को कहां से डिडक्ट करेंगे फ्रॉम, क्योंकि वो ट्रेडिंग प्रॉफिट में एड हुई है लेकिन वो ट्रेडिंग इनकम नहीं है, इसलिए हम उसको यहां से माइनस कर। यहां तक क्लियर है भाई सारे लोग? थर्ड के बारे में पढ़े क्या लिखा था, जल्दी से, कुछ एक्सपेंसेस हम डिडक्ट कर चुके होते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से, एट द सेम टाइम एचएमआरसी में क्या बोलते हैं कि ये वाली अमाउंट तो डिडक्ट करना अलाउड ही नहीं है, अगर एचएमआरसी ने मना कर दिया तो हम उसको क्या करेंगे, एडबैक करवाएंगे। इसकी एग्जाम्पल में ये दो एग्जाम्पल थी कि जिन अकाउंटिंग में हम इन दो अमाउंट को एक्सपेंसिस के तौर पर माइनस करके आए थे, एचएमआरसी ने बोला नहीं नहीं इनको वापसी एडबैक करवाओ तो हम एडबैक करवा देंगे। अब इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए, इस पूरे को समझने के लिए वी हैव एडजस्टमेंट नंबर थ्री, और ये एडजस्टमेंट नंबर थ्री यहां से स्टार्ट है। इसमें बोला कि फ्यू एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग पीएनएल, कुछ अमाउंट्स माइनस हो चुकी है अकाउंटिंग पीएनएल से,
लेकिन दीज एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, ये एक्सपेंस माइनस करना अलाउड ही नहीं था। कितने पॉइंट्स हैं जरा कोई देखेगा जिसके पास नोट्स हो, टी द काउंट करके बताए, 1 2 3 4 में बताए। यानी कि हमारी आज की क्लास की डिस्कशन तो इसी के साथ ही एंड हो जाएगी। जैसे ये डिस्कशन, बाय द वे आई एम नॉट टेकिंग टिल 6:30, बीइंग माय फर्स्ट क्लास आई वुड बी एंडिंग ऑन 6 PM। जल्दी, अच्छा ये इटसेल्फ एक ट्रेड है। एंड आपने क्या बोला, एवरी क्लास इज अ फर्स्ट क्लास, अल्लाह खैर करे। नहीं, एनर्जी मैं वैसे भी आपकी बहाल रखूं, आप ये फिक्र नहीं करें। आप पूरे सेशन में इंशाल्लाह आप कभी सोएंगे नहीं क्लास में, आई बेट। जी अच्छा देखो, बात सुनो, ये कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें आपका अकाउंटिंग का बहुत सारा नॉलेज टेस्ट होने वाला है, राइट? अकाउंट अभी तक जो पढ़ा आपने अकाउंटिंग में, राइट? आपने F7 नहीं भी पढ़ा, FR नहीं भी पढ़ा, गम नहीं है। उसके अलावा FA तो सबका पास है ना भाई, नहीं है? अच्छा देखो, हम किन एक्सपेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बहुत बेशुमार तरह के एक्सपेंसेस अकाउंटिंग पीएनएल से माइनस करते हैं, लेकिन सबका डिडक्ट होना एचएमआरसी अलाउ नहीं करता। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि कौन-कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं, कौन से डिसअलाउड हैं, कौन से पार्शियल अलाउड हैं, कौन से पार्शियली डिसअलाउड हैं। तो यहाँ पे एक डिटेल डिस्कशन होने जा रही है। नंबर वन पॉइंट बोलना है, एक दफा बावास खुद अंग्रेजी में पढ़ लो, थोड़े एक्टिव हो जाओगे। एक्सपेंडिचर नॉट इंकर्ड होली एंड एग्जाम्पल सोचते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा एक्सपेंस जो पूरी तरह से बिजनेस के लिए इंकर ना हुआ हो, जो कुछ बिजनेस के लिए हो, कुछ अदर देन बिजनेस हो, तो वो पार्शली अलाउड होता है, पार्शली डिसअलाउड होता है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि आपने एक बिल्डिंग में, ग्राउंड फ्लोर पे आपकी शॉप है, फर्स्ट फ्लोर पे आप खुद रहते हो, पूरी बिल्डिंग का बिजली का बिल आया 50,000, चुपचाप उठाया पूरे 50,000 को प्रॉफिट से माइनस करा दिया। ऐसा करना है, उसके बारे में बोलना है। उस पूरी बिल्डिंग में तो आप खुद भी रहते हो, ग्राउंड फ्लोर पे आपकी शॉप है, फर्स्ट फ्लोर पे आपका फ्लैट है, पूरी बिल्डिंग का बिल अगर 50,000 आया तो पूरा 50,000 ट्रेडिंग प्रॉफिट से नहीं खपा देना, वहां से नहीं माइनस कर देना, क्योंकि ये 50,000 का बिल तो पूरी बिल्डिंग के लिए था। अब इसमें से बायफर्केट करो कि कितना एक्सपेंस आपके बिजनेस से पर्टेन करता है, कितना एक्सपेंस आपके फ्लैट से पर्टेन करता है, और यकीनन हम प्रॉफिट में से कितना एक्सपेंस माइनस करेंगे जो एक्सपेंस आपका शॉप से पर्टेन करता होगा। अनदर एग्जांपल, आपके पास एक प्रिंटर है, आप अपनी शॉप रन कर रहे हैं, शॉप में एक प्रिंटर है, उस प्रिंटर से आप कुछ बिजनेस के बिल्स के प्रिंट्स लेते हो, कुछ अपने एसीसीए के नोट्स के प्रिंट भी ले लेते हो, और अच्छे खासे प्रिंट्स ले लेते हो। तो प्रिंटिंग एक्सपेंस जो है, क्या ये पूरा बिजनेस प्रॉफिट से माइनस होना चाहिए? आवाज नहीं आई, क्यों? क्योंकि उस एक्सपेंस का होली एंड एक्सक्लूसिव यूज फॉर बिजनेस नहीं है, जो आपका प्राइवेट यूज पोर्शन है। आप उसको हटाओ और देखो कि कितना एक्सपेंस आपकी बिजनेस एक्टिविटी से पर्टेन करता है, वो माइनस किया जाएगा। इस पॉइंट का मतलब समझ गए सारे? नंबर टू में बोला है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर अलाउड एंड कैपिटल एक्सपेंसेस आर, ये तो बिल्कुल अकाउंटिंग वाली बात नहीं हो गई। सोचो, अकाउंटिंग में जब हम अकाउंटिंग पीएनएल बनाते हैं तो उसमें से हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और कैपिटल एक्सपेंसेस को हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? एज अ नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही ना भाई?
गौर कीजिएगा दोबारा बात पे, जो अटेंटिव नहीं थे सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट की। इसमें लिखा है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को अकाउंटिंग पेनल से माइनस किया जा सकता है, कैपिटल एक्सपेंसेस को अकाउंटिंग पेनल से माइनस नहीं किया जा सकता। तो अकाउंटिंग में भी तो यही करते हैं, ये रूल तो दोनों के लिए सेम है। अकाउंटिंग में भी जो हम रेवेन्यू एक्सपेंसिस है वो डिडक्ट करते हैं और कैपिटल एक्सपेंसिस को एज एन एसेट बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करते हैं। अब ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसिस होते कौन कौन से, मुझे तो याद नहीं है, बताओ। सॉरी, रिपेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंसिस एग्जाम्पल। एक बच्ची ने जवाब दिया रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, रिपेयर, टेलीफोन, मतलब टेलीफोन, टेलीफोन एक्सपेंस, सही है। और बोलो, एडवर्टाइजिंग, बिल्कुल सही। और बोलो, इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ सही है, ओके। और बोलो, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, कैरिज इनवर्ड आउटवर्ड, तमाम एक्सपेंसेस, ये तो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स हैं किसी के पास? ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये मछली बाजार थोड़ी है, जुबा बाजार है। ओके, वन बाय वन, जी येलो शर्ट, आप ही, आप ही, आप ही, जी आप, कैपिटल एक्सपेंसेस, ओके, क्रीम कलर, आप, आपसे पूछ रहा हूं। इन्होंने बोला कैपिटल एक्सपेंस परचेज ऑफ कार, सही बोला गलत बोला भाई? मोटर व्हीकल परचेज इज अ कैपिटल एक्सपेंस ना जी। अनदर एग्जांपल, इंस्टॉलमेंट पे क्या कुछ खरीदा, क्या किया? ओके, नॉन करंट एसेट अगर इंस्टॉलमेंट पे खरीद लिया जाए, जी वो भी, एनहांसमेंट, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, ओके, टेस्टिंग कॉस्ट, प्रोफेशनल कॉस्ट, सर्वेयर कॉस्ट, ओके फाइन, ओके, समझ गया। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, उसमें से सोचना कि क्या कैपिटल है या रेवेन्यू है। आपने एक गाड़ी खरीदी बिजनेस के लिए, गाड़ी खरीदी जिसके तीन पहिए थे भाई, टिंची रिक्शा नहीं खरीदा, आपने गाड़ी खरीदी। जब गाड़ी खरीदी उसकी हालत यह थी कि उसके तीन टायर थे, थी गाड़ी, रिक्शा नहीं था, गाड़ी जब खरीदी वो उस कंडीशन में थी कि उसके तीन टायर्स थे, क्या गाड़ी चल सकती है? चलाने के लिए फोर्थ टायर लगाना जरूरी है। आपने वो चौथा टायर लगवाया और फिर गाड़ी चलाना शुरू की, सोच के जवाब देना, ये जो फोर्थ टायर लगवाया उसके लगने के बाद गाड़ी वर्किंग कंडीशन में आई, तो ये फोर्थ टायर की इंस्टॉलेशन कौन सा एक्सपेंस हुआ? फट्टा नहीं, फट्टा नहीं, कैपिटल है या रेवेन्यू है? जो रेवेन्यू वाले हैंड रेस करें, ओके, आप बताएं गुल भाई, ये कैपिटल एक्सपेंस है रेवेन्यू? जी बोले, थैंक यू, ओके। तो भाई जिन बच्चों ने बोला ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें, करें, करें भाई, ये कैपिटल एक्सपेंस। सुनो, देखो बात सुनो, मैंने क्या बोला कि गाड़ी इस कंडीशन में खरीदी कि उसके तीन टायर थे, गाड़ी वर्किंग कंडीशन में, तो याद रखना मेरे प्यारों कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो किसी एसेट को उसकी वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी हो, जब उस एक्सपेंस को इंकर किया जाए, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंस होता है। आपने फोर्थ टायर इंस्टॉल करवाया, बड़े मजे से निकले, अगले सिग्नल पे जाके चारों टायर बस्ट हो गए, अब आपको गाड़ी चलाने के लिए कितने टायर चाहिए? आप इनका लगवाना कैपिटल एक्सपेंस होगा या रेवेन्यू? अब रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। देखो, फर्स्ट टाइम वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए एक भी टायर रखना जरूरी था, वो कैपिटल था, उसके बाद
उसकी वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए भले चारों क्यों ना लगाने पड़े, वो आपके लिए कौन सा एक्सपेंस बनेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस। देयर आफ्टर आप घर जाके सो गए, और आप, मैंने शुरू में क्या बोला था, आप ऐसे फ्लैट में रहते हैं कि जिसके नीचे आपकी शॉप है ऊपर आपका फ्लैट है। आप सो गए और रात में एक ट्रक आया और आपकी शॉप में घुस गया, दीवार गिरा दी। अब आपने सुबह उठे, बातें नहीं प्लीज, आपने सुबह उठे और आपने बोला चलो यार मैं इस दीवार को रिपेयर करवाता हूं, जो दीवार गिर गई इसको वापसी खड़ा करवाता हूं ताकि सिक्योरिटी इश्यू सॉल्व हो। वाइज जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। अच्छा देखें, आपने उस वॉल को रिस्टोरेशन ऑफ वॉल कराई, रिपेयर ऑफ वॉल करवाई, अब ये कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल है या रेवेन्यू? भाई सिंपल रिपेयर मेंटेनेंस करवाई, कौन सा एक्सपेंस है? रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब कौन जवान इसको कैपिटल बोल रहा था? अच्छा चलो इसी में एड ऑन करते हैं। आपने फौरन से बोला कि यार वॉल पे सिक्योरिटी बार्स नहीं लगी हुई थी पहले, वो खारदार तारे वारे होती ना ताकि कोई कूद के अंदर ना आ जाए। आपने बोला यार दीवार का काम तो शुरू हो ही चुका है, इसको रिपेयर तो मैं करवा रहा हूं, चलो इस पे फेंस भी लगवा देता हूं। अब ये जो फेंस लगवा रहे हैं ये कौन सा एक्सपेंस होगा? बोलो कौन सा होगा? कैपिटल होगा। हाँ बोलो कौन सा होगा? जी रेवेन्यू। हाँ कैपिटल। जी 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 आपसे पूछ, कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू कैपिटल, बिल्कुल सही कहा। अब देखो मैंने क्या बोला कि वॉल रिपेयर हो रही थी साथ में सिक्योरिटी फेंस भी लगवा दी जो कि पहले नहीं थी, तो ये आपने एक एडिशनल काम करवाया, ये वाला एक्सपेंस आपके लिए यकीनन कैपिटल एक्सपेंस हो। तो हमें जी जो वॉल रिपेयर हुई वो रेवेन्यू में जाएगा, जो ऊपर फेंस लगाई ये कौन सा एक्सपेंस होगा? कैपिटल, राइट। तो हमें बहुत केयरफुली ये चीजें देखना पड़ती है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंसिस डिडक्ट करना अलाउड नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंस डिडक्ट करना अलाउड है। हमने दो पॉइंट डिस्कस किए, आगे बात करें नंबर थर्ड। ये क्या लिखा है? प्रोविजंस या एस्टिमेशंस आर नॉट अलाउड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, भी एक एस्टिमेशन है। जिस तरह डेप्रिसिएशन एक डिसअलाउड एक्सपेंस है, इन एस्टिमेशंस की वजह से जहां जहां भी कोई एक्सपेंसेस बनेंगे वो एक्सपेंसेस भी आपके डिसअलाउड हो जाएंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अकाउंटिंग में अगर आपका असल में पैसा डूब जाए तो उसको क्या नाम देते हो? बैड डेट्स। बैड डेट्स एक एक्सपेंस है, लेकिन अकाउंटिंग में हम एक स्टेप आगे जाके भी काम करते हैं। हम देखते हैं कि जो पैसा डूब गया वो तो डूब गया, हम ये देखते हैं कि और मजीद कहां पैसा डूब सकता है, अलाउंस फॉर बैड डेट बनाते हैं जिसे प्रोविजन फॉर बैड डेट कहते हैं, तो एस्टिमेशन फॉर बैड डेट भी कहते हैं। क्या वहां भी एंट्री क्या बुक करते हैं? देखो दो दो चीजें हो गई, एक एक्चुअल बैड डेट, एक एस्टिमेटेड बैड डेट। एक्चुअल बैड डेट की एंट्री क्या बुक करते हैं? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट। अलाउंस फॉर बैड डेट की एंट्री क्या होती है? अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट, प्रोविजन सॉरी रिसीवेबल्स क्रेडिट। प्रोविजंस की वजह से भी आपका एक्सपेंस बढ़ता है, लेकिन प्रोविजन की वजह से एक्सपेंस बढ़ना, इस एक्सपेंस को एचएमआरसी वाले अलाउ करते हैं या डिसअलाउ? यही यहां लिखा है कि किसी भी तरह का प्रोविजन या एस्टिमेशन की वजह से एक्सपेंस बनेगा तो वाला एक्सपेंस आपका डिसअलाउड हो जाएगा। इसमें मजीद दो पॉइंट लिखे हुए हैं, कह रहे कि एक्चुअल रिटर्न ऑफ ट्रेड डेट्स इज अलाउड एक्सपेंस। एक्चुअल रिटर्न ऑफ का मतलब जो पैसा आपका एक्चुअल में डूब गया वो तो अलाउड है, लेकिन प्रोविजन अलाउड नहीं है। और रिकवरी ऑफ प्रीवियसली रिटर्न ऑफ डेट इज टैक्सेबल। इसका क्या मतलब हुआ कि एक पर्सन जो जिससे आपने पैसा लेना था वो डूब गया, आपने उसको बैड डेट बुक कर दिया था, लेकिन उस पर्सन को खौफे खुदा आया, उसने आपको कुछ अरसे के बाद आपके पैसे वापस कर दिए। अब ये जो पैसा आपको रिकवर हो गया, अब ये टैक्स से बचा रहेगा या इस पर टैक्स देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब अगली एक और चीज समझ लो, बैड डेट्स को ना इनका बड़ा अच्छा सवाल है, सर ये टैक्स वालों को कैसे पता चलेगा कि हमें कोई पैसा रिकवर हुआ है या नहीं हुआ?
तो भाई वहां पे पाकिस्तानी दिमाग नहीं चलता, सही है, वहां पे वो तमाम चीजें क्लियरली दिखाते हैं और टैक्स पे करते हैं, राइट। हम यहाँ पे डिफरेंट तरीके से टैक्स इवेड कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं करते, राइट। अच्छा जी, एक और चीज यहां पे लिखिएगा, बैडेट्स को हम नॉर्मली जब टैक्स में देखेंगे तो हमारे पास आएगा इंपेयरमेंट लॉस। बैडेट्स को टैक्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इंपेयरमेंट लॉस या इंपेयर्ड डेट्स बोलते हैं। बैड डेट्स को क्या नाम दिया जाता है टैक्स में? अब खुदारा इसको कोई IAS 36 ना समझे, सही है, जो बच्चे FR पढ़ चुके हैं वहां पे इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स के लिए IAS 36 है, ये वो वाली चीज नहीं है। बैड डेट्स को टैक्स लैंग्वेज में कहते हैं इंपेयरमेंट लॉस या इंपेयर्ड डेट्स, राइट। तो आपको बैड डेट का वर्ड बहुत कम नजर आएगा, आपको इंपेयर्ड डेट्स या इंपेयरमेंट लॉस का वर्ड ज्यादा नजर आएगा। तो इंपेयर डेट्स या बैड डेट्स को इंपेयरमेंट लॉस कहा जाता है। पॉइंट नंबर डी भाईजान, पॉइंट नंबर डी बोला है, स्मॉल गिफ्ट्स अप टू 50 पाउंड टू कस्टमर्स आर अलाउड इफ दे कैरी एडवर्टाइजमेंट। वैसे तो कस्टमर को कुछ देना डिसअलाउ होता है, लेकिन अगर आपने अपने बिजनेस में से कस्टमर को कुछ चीज दे दी तो वो शायद अलाउड एक्सपेंस बन जाए अगर उसकी दो शर्तें मीट हो रही हो। पहली शर्त क्या है? उस गिफ्ट की वैल्यू 50 पाउंड से कम होनी चाहिए। सेकंड शर्त क्या है? उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शॉप का नाम, आपकी शॉप का लोगो, इस तरह की कोई चीज अगर उस पर प्रिंटेड है और उस गिफ्ट की वैल्यू अगर 50 से कम है, आपने वो किसको दिया? यहाँ पे अपने कस्टमर्स को दिया, तो वो अलाउड एक्सपेंस होगा। अगर दोनों में से कोई भी चीज मिस्ड आउट हो गई, या अगर उस गिफ्ट की वैल्यू 50 से ज्यादा हो गई, या अगर वैल्यू 50 से कम है और उस पर एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इन इन एनी केस ये एक्सपेंस आपके लिए डिसअलाउड एक्सपेंस बन जाएगा। याद रहेगा भाई सबको? आपने अपने कस्टमर्स को पेन होल्डर्स दे दिए, आप एक बिजनेस हो, सोल ट्रेडर बिजनेस हो, आपने अपने कस्टमर्स को पेन होल्डर्स दे दिए। वो पेन होल्डर्स आपने कस्टमर को दिया, क्या ये इस होल्डर का जो एक्सपेंस है ये अलाउड एक्सपेंस है या नहीं? इसके लिए दो चीजें चेक की जाएंगी कि क्या उस पेन होल्डर की वर्थ वैल्यू कीमत 50 पाउंड से कम है। सेकेंड शर्त क्या देखी जाएगी? क्या उस पेन होल्डर के ऊपर आपकी कंपनी, आपके सॉरी बिजनेस का लोगो, आपके शॉप का नाम वगैरह प्रिंट है? अगर ये दोनों बातें मीट हो रही होंगी तब तो वो अलाउड एक्सपेंस बनेगा, अदरवाइज वो डिसअलाउड एक्सपेंस बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग, यहां पे बड़े क्या लिखा है? कह रहा है फूड हैम्पर्स एंड कैश वाउचर्स आर नॉट अलाउड। कह रहा है फूड हैम्पर अगर किसी को दिया या कैश वाउचर दिया तो ये अलाउड नहीं है। एक और पॉइंट भी इसमें लिखा है कि कॉस्ट ऑफ इंटरटेनिंग कस्टमर्स इज नॉट अलाउड। इंटरटेनमेंट के बारे में तो हम वैसे ही पढ़ के आ चुके हैं, किसकी इंटरटेनमेंट की बात की थी? इंप्लॉयज की या कस्टमर्स की? तो वही पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कस्टमर इंटरटेनमेंट इज नॉट अलाउड, और इसके साथ साथ अगर आपने फूड हैम्पर्स या कैश वाउचर्स भी दिए हो तो वो भी एक डिसअलाउड एक्सपेंस है। फूड बॉक्सेस, फूड हैम्पर्स और कैश वाउचर्स क्या होते हैं? कि कैश वाउचर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे अभी रमजान में पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को या लोगों को देती कि भाई हमारी कंपनी का वाउचर है, आप इम्तियाज जाओ या चेज जाओ, ये वाउचर दिखाओ, इसके ऊपर जितनी प्राइस कीमत लिखी हुई है उतनी की चीजें आप फ्री में खरीद सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि गिफ्ट टू, देखो एक छोटी छोटी बात का फर्क समझना, ये किसको गिफ्ट था क्या लिखा हुआ है और ये वाला गिफ्ट किसको लिखा हुआ है? एम्प्लॉयज। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है बातों में। अगर कस्टमर को गिफ्ट दे रहे हो तो उसकी वो शायद अलाउड हो जाए अगर दो शर्तें मीट हो जाएं। कस्टमर की इंटरटेनमेंट करवा रहे हो तो वो डिसअलाउड है। अब आगे लिखो क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट टू एम्प्लॉयज आर अलाउड। मैं एक बिजनेस हूं, आप सब मेरे एम्प्लॉयज हो, मैं आप एम्प्लॉयज को जो भी चीज गिफ्ट करूंगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? एक अलाउड एक्सपेंस बनेगा, लेकिन आपकी जान नहीं छूटेगी। आपके लिए, एम्प्लॉय के लिए वो एक टैक्सेबल बेनिफिट है और आप उसको कहां पे जाके भुगत रहे होगे? अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप सबको एक एक मोबाइल फोन दे दिया, सही
सही है, आप मेरे एम्प्लॉयज हो, एज्यूम कर रहा हूं मेरी जान, एज्यूम कर रहा हूं, सही है, एज्यूम तो करने दो। मैंने अपने एम्प्लॉयज को एक एक मोबाइल फोन दे दिया, वो एम्प्लॉयज को जब कोई चीज गिफ्ट दी जाती तो उसकी वैल्यू नहीं देखी जाती। एम्प्लॉय को दिया गया जितने का भी है वो एक बिजनेस के लिए अलाउड एक्सपेंस। आप सबको एम्प्लॉयर की तरफ से मोबाइल फोन मिला, अब आप सबको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो कौन सी इनकम है जाके सीखोगे आप अपने पास? एम्प्लॉयमेंट इनकम है जाके सीख। तो मेरी बात यहाँ पे याद रखना, आप इसको रेफर कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट इनकम का वर्ड हाईलाइट करो और इसको रेफर कर दो, एक एरो बना, लिख दो टैक्सेबल बेनिफिट्स के। एम्प्लॉयमेंट इनकम में जब आप जाके टैक्सेबल बेनिफिट्स की बात करोगे तो वहां पे मेरी बात आपको समझ में आएगी। एम्प्लॉयमेंट इनकम को रेफर करके मैंने यहाँ पे लिख दिया टैक्सेबल बेनिफिट्स। जी, हम यहाँ पे ट्रेडिंग इनकम में एम्प्लॉयज को जितने का भी गिफ्ट दिया गया, अपनी हम अपनी अकाउंटिंग पैनल से एम्प्लॉय को दिए जाने वाले गिफ्ट की जो भी वर्थ है, वैल्यू है, एक्सपेंस है, उसको माइनस कर रहे होंगे। लेकिन जिस बंदे को वो गिफ्ट मिला, जिस एम्प्लॉय को वो गिफ्ट मिला, वो एम्प्लॉय उस अमाउंट पे जाके टैक्स दे रहा होगा। एम्प्लॉयमेंट इनकम में टैक्सेबल बेनिफिट्स की हेडिंग में जाके आप ये चीज सीखोगे। पॉइंट नंबर जी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, आगे बात करते हैं। पॉइंट एच की डिस्कशन कर रहा हूं, कह रहा है कॉस्ट रिलेटिंग टू, और करो दोबारा से, कस्टमर लिखा है, एम्प्लॉयज लिखा है, स्टाफ या एम्प्लॉयज एक ही बात है। कह रहे अगर आपने अपने स्टाफ को किसी भी तरह का मील्स फूड्स वगैरह प्रोवाइड किए तो ये आपके लिए एक अलाउड एक्सपेंस है। इधर गौर कीजिएगा प्लीज, यही फूड हैम्पर्स अगर कस्टमर्स को दिए जाए तो ये क्या बन जाएंगे? डिसअलाउड। अगर यही फूड मील वगैरह किसे दिया जाए? अपने एम्प्लॉयज को, तो ये स्टाफ का मतलब एम्प्लॉयज को दिया जाए तो ये अलाउड होगा, अगर कस्टमर को दिया जाए तो डिसअलाउड होगा। नेक्स्ट बोल रहा है, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस फॉर एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स नॉट अलाउड। आपने एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदने के साथ साथ आपने लॉयर के भी कुछ पैसे दिए, तो हमें मालूम है ना कि अगर एक कैपिटल एसेट खरीदा गया उसके साथ अगर कोई लीगल कॉस्टिंग कर की गई तो वो भी कैपिटल एक्सपेंस होता है। तो इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बात करके आ चुके हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंस होगा, और कैपिटल एक्सपेंसेस तो वैसे भी डिसअलाउड होते हैं, नॉट अलाउड होते हैं। तो आप इसको पूरे को इस तरह से सर्किल करके लिख सकते हो कि ये आपकी बेसिकली क्या बना, ये आपका कौन सा एक्सपेंस बना? आपका कैपिटल एक्सपेंस बना। कि अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा, कैपिटल एसेट का मतलब नॉन करंट एसेट, कैपिटल एसेट खरीदने की वजह से कोई लीगल एंड प्रोफेशनल कॉस्ट इनकर की तो वो भी कैपिटल एक्सपेंस बन जाएगा। तो वो भी कैपिटल एक्सपेंस बनेगा तो वो एक डिसअलाउड एक्सपेंस होगा। अगला पॉइंट हमें कह रहा है कि लीगल चार्जेस रिलेटिंग टू बिजनेस आर अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस किस तरह के लीगल चार्जेस इंकर कर सकता है? टू कलेक्ट बैड डेट्स, रिकवरी एजेंसीज को हायर किया जाता है। अगर कोई आपका पैसा लेके भाग गया, आप कोई लीगल केस फाइल किया, या आपने किसी रिकवरी एजेंसी को एंगेज किया, इस तमाम कामों में आपके खर्चे हो रहे होते हैं। ये तमाम कामों में जो खर्चे हो रहे होते हैं वो आपके लिए अलाउड एक्सपेंसेस होते हैं, और इसके बारे में बोला लीगल चार्जेस रिलेटिंग टू बिजनेस आर अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, बैड डेट कलेक्ट करने के लिए आप कोई लीगल एक्शन ले रहे हो, आप अपने फिक्स एसेट्स को बचाने के लिए कोई लीगल एक्शन ले रहे हो, या रिन्यूअल ऑफ शॉर्ट लीज के लिए अगर आप कोई कॉस्ट इंकर कर रहे हो, तो ये तमाम तरह के एक्सपेंसेस आपके लिए अलाउड एक्सपेंसेस होंगे। पॉइंट नंबर के बारे में जरा बात गौर से सुनो। अगर आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी लीगल कॉस्ट इनकर की, ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई लीगल कॉस्ट इनकर की, ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड लीगल कॉस्ट किस तरह की हो सकती है उसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन आपके पैसे लेके भाग गया, उसने आपसे कुछ सामान खरीदा था क्रेडिट पे, और 2 महीने बाद पैसे देने का वादा किया था, अब वो बंदा पैसे पे आउट नहीं कर रहा, तो आपने उस पर कोई केस किया, कोई लॉयर इंगेज किया, कोई इस तरह के जो आपने खर्चे किए वो आपके लिए अलाउड एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि ये सारे खर्चे आप अपने किस किस से रिलेटेड कर रहे हो? अपने ये तमाम चीजें बिजनेस से रिलेटेड कर। इस पॉइंट के बारे में पढ़ो, कह रहे कॉस्ट रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ शेयर्स इज नॉट अलाउड। हम कौन से बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इनकॉर्पोरेटेड या अनइनकॉर्पोरेटेड? हम तो अनइनकॉर्पोरेटेड के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट फिलहाल रेलिवेंट
नहीं है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, दिस पॉइंट इज ओनली फॉर कंपनीज। तो जब आप मेरे साथ कॉर्पोरेशन टैक्स पढ़ रहे होगे तो आपको ये वाला पॉइंट काम आएगा। तो जब आप कॉर्पोरेशन टैक्स पढ़ोगे तो ये वाला पॉइंट आपके काम आएगा। जब एक कंपनी शेयर्स इशू करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर करे तो वो भी एक डिसअलाउड एक्सपेंस होता है, बट दिस पॉइंट इज रेलिवेंट फॉर कॉर्पोरेशन टैक्सेस, नॉट फॉर इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेस। पॉइंट नंबर आई, नेक्स्ट पॉइंट, बस मैं वैसे ही एंड करना। यहां पे पढ़े क्या लिखा है, अप्रोप्रिएशंस आर नॉट अलाउड, और अप्रोप्रिएशंस में एग्जांपल दी हुई है सैलरी, अदर अलाउंसेस। अब वैसे सोचो क्या एम्प्लॉयज को सैलरी देना अलाउड है या नहीं है, अलाउड एक्सपेंस है ना। प्लीज जरा यहां पे फोकस्ड हो जाए। एक बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहा है, बोनस दे रहा है, कमीशन दे रहा है, वो सारे बिजनेस के लिए अलाउड एक्सपेंसेस है। तो ये यहां पे क्या बातें कर रहा है कि अप्रोप्रिएशंस आर नॉट अलाउड, अप्रोप्रिएशन इन सैलरी या अदर अलाउंस। इसको जरा समझो, एक बिजनेसमैन है, एक सेठ है, उस ऑनर की वाइफ भी अपने वहां पे एम्प्लॉय है, एज एन अकाउंटेंट काम कर रही है, और कोई और भी लेडी है जो सेम पोजीशन पे एज एन अकाउंटेंट काम कर रही है। एक अकाउंटेंट कौन है, किसकी वाइफ, ऑनर की वाइफ, और दूसरी अकाउंटेंट कौन है, किसी और की वाइफ। और करें बात, सॉरी, देखो जो वाइफ अकाउंटेंट है उसको सेठ दे रहा है 20,000 सैलरी, और जो दूसरी गरीब लेडी है उसको दे रहा है 10,000 सैलरी। दोनों सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं, दोनों अकाउंटेंट है, लेकिन एक अकाउंटेंट के पैसे ज्यादा है ड्यू टू एनी रिलेशनशिप, और दूसरे अकाउंटेंट के पैसे उसी पोजीशन पे कम है। तो सच थिंग्स आर टर्म्ड एज, क्या बोला जाता है इनको, अप्रोप्रिएशन। अब ये हाँ डिस्क्रिमिनेशन भी कह लो, लेकिन इसको हम टेक्स्ट में क्या वर्ड यूज करेंगे। अब ये अप्रोप्रिएशन किस चीज में, सैलरी या अदर अलाउंसेस। अगर इस किसी भी रिलेशनशिप की वजह से किसी एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे मिल रहे हो, दूसरे को उसी पोजीशन पे कम मिल रहे हो, तो ऐसी हरकत अलाउड नहीं है। अब अगर एक पर्सन की सैलरी 20,000 माइनस की गई, उसी पोजीशन पे दूसरे की सैलरी 10,000 माइनस की गई, तो बताओ क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा कितनी मिली। तो जो एक्स्ट्रा 10,000 एक्सपेंस के तौर पे माइनस किया, वो अलाउड होगा डिसअलाउड होगा, तो डिसअलाउड होगा तो वो प्रॉफिट्स में वापसी एडबैक किया जाएगा। याद रख, सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये तो हम वैसे भी बात कर चुके हैं, ड्राइंग्स, ऑनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड। वो एक्सपेंसेस के साथ साथ और क्या हो सकता है, एक्सपेंशनरी मूव और एक्सपेंस रिलेटिंग टू किसकी रिलोकेशन, पर्सनल रिलोकेशन। ये किसके बारे में बात हो रही है, पर्सनल रिलोकेशन ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर किसे कहा जाता है, सोल ट्रेडर को, सोल प्रोप्राइटर भी कहा जाता है, सोल ट्रेडर भी कहा जाता है। इस पॉइंट का, पॉइंट एम का मतलब यह है कि अगर सोल ट्रेडर ने अपनी जात के लिए कोई भी खर्चा बिजनेस से किया, तो वो खर्चा सिंपली क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, उसको अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस नहीं किया जा सकता। अभी इसमें बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन है, इसमें ये वाले पॉइंट्स भी हैं फर्दर, ये तमाम, और मैंने पॉइंट जी स्किप करवाया, बाकी सारे पॉइंट स्किप करवाए, मैं यहीं तक रख रहा हूं, राइट। दो मिनट के लिए बंद कर लो और आखिरी बात सुन लो। एक्सपेंशनरी मूव के फॉर एग्जांपल, गौर से सुनिएगा, एक्सपेंशनरी मूव क्या चीज है, या पर्सनल रिलोकेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर। मैं अपना बिजनेस रन करता हूं, लेट्स से आईचंदिका रोड पर, मैं रहता यहां पे, मैंने कहा यार मैं डेली यहां से वहां ट्रेवल करता हूँ, कम्यूट करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वहां ऑफिस के करीब ही शिफ्ट हो जाता हूँ। इस शिफ्टिंग का खर्चा मैंने किया, और वो शिफ्टिंग का खर्चा करके मैंने अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट से माइनस कर दिया, क्या ये अलाउड होगा डिसअलाउड होगा, क्योंकि ये एक्सपेंशनरी मूव या पर्सनल रिलोकेशन ऑफ प्रोप्राइटर है, तो उसको बिजनेस एक्सपेंसिस से माइनस नहीं किया जा सकता, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंस है, वो तो वैसे डिसअलाउड है, राइट। अब अगली लास्ट चीज सुनिएगा जरा,
हमने आज की आज के दिन का जो मेरा एक एक ऑब्जेक्टिव था, आप बताएगा हमने अचीव किया या नहीं किया। ऑब्जेक्टिव ये था कि थोड़ा लास्ट क्लास का रिकॉल करें और ट्रेडिंग इनकम की थोड़ी बेसिस बनाई जाए। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? ट्रेडिंग इनकम में हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में टैक्स एडजस्टमेंट्स करते हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट्स तक जाते हैं। वो टैक्स एडजस्टमेंट डिफरेंट तरह की होती है, जिसमें से हमने कुछ पार्शली चीजें अभी तक सीखी, और इसमें जो पार्शली डिस्कशन है ये करने के बाद नेक्स्ट क्लास का एजेंडा हम क्या करेंगे, ये जो कुछ पॉइंट्स रहते हैं इनको डिस्कस करेंगे, और ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में मूव करेंगे, और ये दो तीन सवाल हम करेंगे। ये जितनी भी डिस्कशन हमारी चलेगी ये इन दो तीन क्वेश्चंस में हमारी पूरी समअप हो जाएगी, पूरा हमारे अपने पास ये क्वेश्चंस करके हम ये एरिया को साइडलाइन कर देंगे, हम बहुत अच्छे से तमाम तरह की टैक्स एडजस्टमेंट सीख जाएंगे। याद रखना, टैक्स में कोई भी चीज जबानी कलामी आपको दिमाग में नहीं बैठ सकती टिल द टाइम यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट? तो अगली क्लास में जो कि थर्सडे सेम टाइम पे है 3 to 6:30, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जाते हुए अपने नोट्स लेकर जाएं, और अगली क्लास में आने से पहले एक नजर इस पूरी डिस्कशन को देख कर आइएगा जो हमने की है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। सिंपल देखिए, बस देख कर आइएगा, नोट्स से इसको पढ़ के आइएगा। नहीं, वो हम खुद करेंगे क्लास में, अभी कुछ भी नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चंस भी हम क्लास में करेंगे, मेरे साथ कीजिए। देखिए जो आज पढ़ा है, बस इसको एक दफा पूरा नजर घुमा के आइएगा, रिवाइज करके आइए, राइट? ऑल एडवांस इफ यू आर इंटरेस्टेड, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड टुडे सेशन। All right, see you guys in the next class. Take care and Allah Hafiz.